हो गए, उसको क्या डिलीट करें। खैर सर, कल हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की, वो क्या थी सर? हम लोगों ने सर तीन वर्ड्स का मतलब समझा था, और वो तीन वर्ड्स कौन से थे कि रिकॉर्ड करना किसे कहते हैं, समझ नहीं गई हमने। अकाउंटिंग अभी तक देखी, अकाउंटिंग का तरीका रिकॉर्ड का हमने देखा नहीं है। एनालाइज करना किसको कहते हैं, और समराइज करना किसको कहता हूँ। सही, हमने तीनों चीजें की थी, उसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी था, कोई ना कोई क्या था, जिसके लिए हम ये सब काम कर रहे थे। तो सर हमने कहा भाई अकाउंटिंग जो है वो एक तरीका है, अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड समराइज क्लासिफाई, ठीक है, व्हाट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल की जगह जब मॉनिटरी इंपैक्ट ही नहीं है उसको मैं क्या रिकॉर्ड करूं। सही है, ऑफ एन एंटिटी, हमने बात की एंटिटी की, हमने कहा एंटिटी क्या है, हमने कहा सर जिस भी बिजनेस की हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी। पर्सनल इंसान की अकाउंटिंग नहीं होती, पर्सनल लोगों की हम अकाउंटिंग नहीं करते, अकाउंटिंग किसी होती है बिजनेस की, किसी होती है बिजनेस की। हमने कहा सर तीन किस्म के बिजनेस है, कितने तीन किस्म के बिजनेस है। एक बिजनेस है आपका ट्रेडिंग बिजनेस, उस बिजनेस का काम क्या है, माल खरीदना और उसी हालत में भेज देना, इंपोर्टर्स भी आपके उसके अंदर जाते हैं। अगर इंपोर्टर उसी हालत में क्या करता है, माल भेजना, मगर सर बहुत सारे टेक्सटाइल वाले हैं वो कॉटन इंपोर्ट करते हैं, इंडियन शंकर कॉटन। वैसे आप तो कहेंगे सर पाकिस्तान में तो यार पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, बट फिर भी बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो इंडियन शंकर कॉटन हो गया, यूएस कॉटन हो गया, उसको क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं। क्यों सर? उसमें यील्ड ज्यादा होती है, मतलब जहां पे आपके पाकिस्तानी कॉटन की यील्ड आती है 84%। यील्ड का क्या मतलब होता है सर? एक टन है 1000 केजी, उसमें काम का 840 केजी निकलता है जो किसका होता है, पाकिस्तान की कॉटन का होता है, कि हम लोग थोड़ा बहुत लैग कर जाते हैं चीज़ें। मगर यूएस जो कॉटन होती है उसका 94 to 96% का क्या आता है यील्ड आता है, तो कचरा कम होता है, अच्छा स्टफ ज्यादा निकलता है। तो सर अगर एक टेक्सटाइल कंपनी वहां से इंपोर्ट कर रही है, और वो इंपोर्ट किस चीज़ में किस नीयत से कर रही है, क्या मुझे उसको बेचना है, अगर उसकी नीयत ये है, उसका बिजनेस मॉडल ये है कि बाहर से चीज आएगी और मतलब उसको बेच देना, वो क्या होगी ट्रेडिंग। लेकिन उसका अगर कंसर्न ये है कि नहीं यार ये कॉटन आएगा मैं इसकी स्पिनिंग करूंगा, क्या करूंगा स्पिनिंग करके इससे मैंने यार्न निकालना है, धागे को यार्न कहते हैं, धागे को क्या कहते हैं यार्न, अगर मैंने यार्न निकालना है तो किस में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, ठीक है। तो सर एक आ गया ट्रेडिंग वाला, दूसरा कौन है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग कौन होते हैं, जो आपकी चीज का फॉर्म चेंज करके बेचते हैं, उसकी हमने कल में सारी देखी थी। और एक इंडस्ट्री है, इसको हम क्या कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री, जो कुछ बेचते नहीं है, कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं करते, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देना, सबसे ज्यादा क्या देना। और सर आज दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप पे जो लोग हैं, जो कंपनीज है, वो क्या कर रही है, सर्विसेज दे रही हैं। आपका अमेजोन हो गया, आपके दूसरे जो अली बाबा, अली एक्सप्रेस हो गया, गूगल हो गया, एआई आ गया, मतलब सर ये इस तरह का, ये जो 20th सेंचुरी जो आई है इट्स जस्ट लाइक अ 21st सेंचुरी, इट्स अ बूम फॉर अ सर्विस इंडस्ट्री। और सर फ्रीलांसर भी इस दुनिया दौर में ज्यादा पाए गए हैं, ठीक है। नासा भी आ सकते हैं, किसका बेटा? नासा, नासा सर्विसेज दे रहा है, बिल्कुल, कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, वो एक अलग समझो कि नासा जो है ना बेसिकली वो आपके कंज्यूमर से उसको लेना देना नहीं है, वो डायरेक्टली उसका जो कस्टमर है वो आप नहीं हो। सर कस्टमर कौन है? गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज, क्या आपके यहाँ क्या टेम्परेचर होगा, क्या सेटेलाइट का इशू है, क्या डिफेंस का ये वो। इसलिए नासा जो है आपका स्पेस के ऊपर टेक वो कर रहा है, तो उसका एक अलग ही बिल्कुल क्या है, क्योंकि एक बजट बनता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, हर कंट्री का एक बजट बनता है, क्या रिसर्च पे हमें इतना पैसा लगाना है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट, यूएनओ का एक बना हुआ, बड़ी लंबी कहानी है, जाके पढ़ लेना, सही है, या कभी टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कि बेसिकली किन मॉडल्स पे ये बिजनेस क्या करते हैं काम करते हैं। तो सर ये वाली चीज़ आई, फिर सर आपने कहा सर इनको करने के, इन बिजनेसेस को करने के भी तीन तरीके हैं। सर एक तरीका तो ये भाई बिजनेस करने का, सर बिजनेस करने सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, बिजनेस करने का चाहिए पैसा चाहिए। सर अगर आपके पास खुद इतना पैसा है तो आप क्या करो, एज अ सोल प्रोप्राइटर काम करो, जिसके अंदर आप सिंगल डिसीजन मेकर होगे, और आपने जिस तरह का आपका विजन है आप बिजनेस को उस तरह क्या कर सकते हो मोल्ड कर सकते हो, भाई मैंने इस तरह बिजनेस चलाना है, मैं चाह रहा हूं भाई ये चीज हो, ये हायरार्की हो, सब कुछ आपके मुताबिक हो। सर दूसरा जो एक किस्म का होता है बिजनेस करने का, वो होता है कि सर मेरे पास लेट सपोज सर आपकी क्लास में इंशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे जो शायद बाहर चले गए और वो मिडिल ईस्ट जाएंगे, तो सर उनका जो रफली अभी जो स्टार्टिंग पैकेजेस जो चल रहे हैं वो 12 से 15 हज़ार चल रहे हैं, डिपेंडिंग कि तुम्हारा कैलिबर क्या
कैसा तो इंटरव्यू में अपने आप को किस तरह बेच सकते हो, तो सर्विस इंडस्ट्री में यू हैव टू सेल योरसेल्फ। सामने वाले को नहीं पता तुम कौन हो, हु नोस, बट यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ इन मैक्सिमम हाफ एन आवर कि हु यू आर एंड व्हाई यू आर द बेस्ट फिट फॉर दैट कंपनी। और सब वहां जब आप जाके करोगे तो अपने आप को वो कहेंगे भाई हमारा पैकेज तो 12-13 हज़ार, उनकी बात कभी भी मत समझना। मैंने एक दफा जिंदगी में धोखा खाया था 2020 के अंदर, सीन ये हुआ था कि जब मेरा स्टार्टिंग पैकेज उन्होंने जब मुझे कहा, उन्होंने कोई बजट दिया था, अच्छा दे दिया था, सही बताते नहीं कभी किसी को, चलो बता देता हूँ, उन्होंने बजट रखा हुआ था, उन्होंने मुझे ऑफर किया भाई 3 में आ जाओ। मैंने कहा यार 3 में तो मेरे सही नहीं है, मैंने लड़ झगड़ के कर करके 4:15 तक उनको 375 कर दिया यार, सही है। बाद में एक है ना एवेल्यूएशन फॉर्म होता है, एवेल्यूएशन फॉर्म ये होता है जिसके अंदर जब कोई बिजनेस यूनिट का किसी को हायर कर रहा होता है तो लिखा हुआ होता है कि यार तुम्हें कितना बजट है, कितने तक बंदे को तोड़ना, ये वो, तो मुझे फिर कोई अपना अंदर बंदा जो है ना हायर करना था, तो उन्होंने मुझसे वही फॉर्म शेयर करते, बोला इसी फॉर्म को अपडेट कर देता, और मैंने वादा किया सालों का बजट 5 लाख था, और मैंने अपने आपको क्या करा कम बेस कर, उस दिन से मैंने सोच लिया, मैंने कहा साले अगर ये ऑफर 2 की होगी लेट्स सपोज, तो मैंने 4 कोट कर लिया तो कहीं जाके 3.5 पे मैं मानूंगा। तो सर ये चीजें एक टैक्टिक्स होंगी, इंशाल्लाह फ्यूचर में जाकर भी काम आएगी। तो सर पॉइंट भी, सर जब आप बाहर जाते हैं तो सर वहां पे आपको मिलते हैं कितने, 14-15 हज़ार मिलते हैं, सही है, आपने अपने आपको 15 हज़ार में बेच दिया। सर मिडिल ईस्ट में 5,000 आर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ समझते हो, मोर देन इनफ कह रहे, तुमने जो अय्याशी की जिंदगी होती है ना, अब लेट्स सपोज जब मैं सऊदीया में था तो खोबर के अंदर, खोबर और बहरेन 40 मिनट की ड्राइव है, कितनी है 40 मिनट ड्राइव खोबर एंड बहरेन, तो वहाँ पे जो मेरा पैकेज था 17,900 का रियाल, सही है, तो 5,000 में सुकून से ज़िंदगी, मतलब मैं फुल उड़ाता था, मतलब मैं 500 रियाल लेके मार्ट चला जाऊँ ना, मैं इतने जो नहीं होते अपना फ्रोजन फूड्स होते हैं वो लेकर आ जाता था, फिर एंड में मंथ में ना अपने दोस्तों को दावत दे रहा था भाई आओ भाई बहुत सारा बच गया अगले महीने का लेना है, तो आओ पकाओ और खाओ और शीशा पार्टी वगैरह करते हैं। तो सर जो पैसे बच जाते थे, फिर बंदा सोचता है कि यार अब आपने 5,000 तो खर्च कर दिए, अब लेट सपोज 10,000 रियाल बच गए आपके पास, लेट सपोज 10,000 दिरहम बच गए, सर 10,000 दिरहम का मतलब वो मंथली आपके पास 8 लाख की सेविंग हो रही है, 7-8 लाख रुपए की, क्या करोगे 7-8 लाख? सर पैसा पड़े पड़े तो डबल नहीं होता, हाँ सर क्या करते हैं, अक्सर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है और जब तुम वहां पर बैठे हुए होगे, तुम कहोगे वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी, इन्होंने जिंदगी में कभी नेशनलिटी तो देनी नहीं है, और कल को जब इनका कोई नया लॉ चेंज हुआ तो इन्होंने क्या करना है, आप सो चीजें ले लेनी और आपको डिपोर्ट मार देना है। तो फिर इंसान क्या करता है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी होती है और जो प्लेस होती है सेफ एंड सिक्योर वो कौन सी होती है, पाकिस्तान में कुछ करो। तो तुम में से कुछ होगा, एक आध बंदा यहाँ पे बैठा हुआ होगा और कोई बाहर होगा। अब सर ऐसी हजारों मिसाल है CA फ्रेटर्निटी के अंदर कि जो लोग बाहर है ना दे आर अर्निंग अलॉट माशाल्लाह सर, सही है। बट सर अब जैसे अगर मेरे जो साथ वाले लोग थे, मैं 2019 में छोड़ के आया, जब शादी हो रही थी अब्बा ने कहा बेटा बस शराफत से वापस आ जाओ, अब वहाँ नहीं रहना, माहौल अच्छा नहीं होता। मैंने कहा अच्छा भाई, अब जो मेरे साथ के वहाँ पर है वो साले 35-40 हज़ार रियाल के पैकेज पे पहुँच गए, अब 35,000 रियाल का पैकेज करो तो 80 से मल्टीप्लाई करो 75 से, कर लो कितना बनता है 25-26 लाख रुपये महीने का बनता है, उनको अभी फैमिली के साथ रह रहे ना 7-8 हज़ार रियाल उनके लिए बहुत, फिर भी 30,000 रियाल बचा हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो पीछे पैसा पाकिस्तान में क्या करते हैं भिजवाते हैं। तो सर अब वो पैसा भिजवा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सर, वो पैसा भिजवा रहे हैं कोई बिजनेस के लिए, किसके लिए, अब सर सबसे अच्छी चीज़ तो पहले ज़माने में थी क्या थी, प्रॉपर्टी, क्या थी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी में वो मज़ा नहीं रहा। तो सर अब जब वो बंदा आपको पैसा वहाँ से यहाँ भेजेगा, क्या उसका इनपुट होगा बिजनेस के अंदर, लेट सपोज इमदाद भाई बाहर चलेगा, इमदाद वहां से पैसे भेज रहा शेजिल को, शेजिल का कौन है दोस्त है, शेजिल के पास दिमाग है, शेजिल के पास क्या है, शेजिल पाकिस्तान में रह रहे के फुल सुने जुगाड़ू कमलेश नहीं आया था आपका उसके अंदर, तो जुगाड़ू शेजिल बना हुआ है, अब जुगाड़ू शेजिल के पास ये ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता रहता है। अब सर इसके पास पैसा नहीं, इमदाद के पास पैसा है, अब ये दोनों क्या करेंगे एज अ पार्टनरशिप, एज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे, और सर इन दोनों का आपस का मसला है ना, ये दोनों इसको जानते हैं, अब ये पैसा दे रहा शेजिल को, उसके अंदर आपकी बीच में स्टेट का कोई लेना देना नहीं, हाँ सर मगर ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनको सारे के सारे लीगलिटीज का पता है, तो ये क्या करेंगे, कहेंगे शेजिल भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ
और जाके हमारा बिजनेस रजिस्टर करवाओ. क्या करवाओ? अंडर अ पार्टनरशिप बिजनेस क्या करवाओ? रजिस्टर करवाओ. अब सर इमदाद भाई बैठे में बाहर, क्या इमदाद अपना एक्टिवली, क्या इमदाद अपना एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट दे सकता है? नहीं सर. ऐसे लोगों को हम कहते हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हो, जिन्होंने क्या की हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हो, बट दे आर नॉट इन द, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. को हम कहते हैं सर ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर. क्या कहते हैं? स्लीपिंग. नहीं, स्लीपिंग सेल हमने सुना था मूवीज के अंदर, एक स्लीपिंग सेल होता है हाँ टेररिस्ट का. इसका यहां पर क्या है? ये स्लीपिंग पार्टनर है. मीन्स अ पर्सन हु जस्ट ओनली इन्वेस्ट द मनी इन टू द बिजनेस, बट उसको ऑपरेशन में कोई लेना देना नहीं होता. क्लियर हो गया? अब सर चाहे स्लीपिंग हो या एक्टिव पार्टनर हो, मैक्सिमम, अब लेट सपोज सर शहजिल लोगों ने इससे मिलकर कहा यार हम लोग ना बिजनेस बनाते हैं, लेट सपोज मोबाइल एसेसरीज. किसका बनाते हैं हम मोबाइल एसेसरीज? की नहीं, केसेस होते हैं आपके, एयरपॉड्स हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, आपके ग्लासेस वगैरह हो गए, ये करते हैं. अब सर हुआ क्या यार, तू वहां आ जाना तो ये गर्दन दुख जाएगी. हाँ ना, पक्का देख ले, सही है सर. अब होता क्या है कि सर लेट्स सपोज इन्होंने शुरू में सोचा, इन्होंने शुरू में सोचा कि हम बिजनेस करते हैं किस चीज का, हम मोबाइल सिस्टम का करते हैं. शुरू में शहजिल ने कहा इमदाद भाई मैं मंगाऊंगा चाइना से कंटेनर. क्या करूंगा? चाइना से कंटेनर मंगाऊंगा, और कंटेनर मंगवाने के बाद हम उसको कराची की मार्केट में क्या करेंगे? सेल कर देंगे. ट्रेडिंग बिजनेस. कौन सा बिजनेस? प्योरली ट्रेडिंग बिजनेस उन्होंने शुरू किया. पहले एक कंटेनर मंगाया, थोड़ा इन लोगों का ब्रांड बनना शुरू हो गया, लोगों का बनना शुरू हो गया. सर आज से 2 साल पहले से जीरो का नाम सुना था, 2 साल पहले जीरो का नाम सुना था. आज हर किसी को जीरो पता है, क्या स्मार्ट वॉचेज हैं उनके, आपके एयरपॉड्स वगैरह हैं, काफी ऊपर आ गया था ब्रांड. तो इनका भी ब्रांड से पॉपुलर हुआ, उन्होंने कहा और ज्यादा सामान मंगवाता है. अब इन्होंने कहा, इमदाद ने कहा भाई मेरे पास उतने ही पैसे हैं, मैं दूसरे पैसे नहीं दे सकता. तो ये चलो ठीक है यार, एक कंटेनर और मंगवा तो सिर्फ पैसे चाहिए. उन्होंने क्या करा, तीसरा पार्टनर इंक्लूड किया, चौथा पांचवा इन्होंने इंक्लूड कर लिया. सही है. अब सर शहजिल का बिजनेस माइंड, शहजिल ने कहा यार एक काम करते हैं, हम लोग बाहर से चाइना से मंगवाते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, इतना सब कुछ मसले मसाइल होते हैं. अब चाइना से जो एक बेनिफिशियल जो एक प्रॉस होता है, जो एक बेनिफिट होता है लोगों का चाइना से खरीदने का, वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? चीप. क्या चीप? चीप कैसे? सस्ती मिलती है. क्या फैक्टर है जो उसको सस्ता बनाता है? सबसे मेन फैक्टर जो उसको सस्ता बनाता है क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होती है? तो मशीन देख, चाइना भी अभी सेल्फ इतनी मशीनें नहीं बना रहा, सारी जर्मन से इंपोर्ट होती है, वो डॉलर्स में बिकती हैं. चाहे वो पाकिस्तान में मंगाओ, चाइना में मंगाओ, बांग्लादेश में मंगवाओ, वो तो आपकी जर्मन बेस्ड या इटली बेस्ड या फ्रांस बेस्ड क्या है आपकी, या जापानी मशीन होती है. लेबर सस्ता है, ये पॉइंट था सर. चाइना में क्या है? लेबर सस्ता है सर. इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है कि आपके पास कोई डेढ़ अरब तो पहुंच गए होंगे अब तक, तो हम तो सवा अरब तो पहले का सोचते सुनते थे, और 1 अरब इंडिया का सुनते थे, तो 1 अरब तो इंडिया तो 1.25 पे आ गया, तो भी 1.5 पे आ गया होगा चाइना. तो सर सीन क्या है कि सर वहां पर लेबर जब चीप है, तो हमने सोचा है पाकिस्तान में तो लेबर चीप है, यहाँ पे तो लोग वैसे ही खाने को तरस रहे हैं, ऐसा या नहीं है? अब सर अभी आपका मिनिमम जो वेज रेट सेट हुआ वो कितना हुआ? 37,500 समथिंग हुआ. 40,000 डिवाइडेड बाई 287 करो कितना आता है? करो 40,000 डिवाइडेड बाई 287. $139 ना. अभी रुको, इसको डिवाइड करवाओ 22 डेज से, 6.3. अब इसको डिवाइड करवा दो 8 से, मतलब सर हमारा जो एक पाकिस्तानी लेबर तबका है वो $0.79 पर आवर पड़ता है. कितना पड़ता है? $0.8 पर आवर उसकी दिहाड़ी है, जबकि यूएस के अंदर मिनिमम इज लाइक $14 पर आवर, जर्मनी इज लाइक 19 यूरोस पर आवर. तो सर जब इस तरह की चीजें आती हैं तो पाकिस्तान तो उनको दूर दूर तक भी टच नहीं कर पाता, ऐसा या नहीं है? तो सर अब इसने सोचा, शहजिल ने बोला यार बड़ी चीप लेबर है, अब हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? ब्रांड बन गया ना, ब्रांड बन गया, अब हम क्या करते हैं? अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं. सर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए इससे एस्टिमेट किया, इससे क्या एस्टिमेट करते हैं तो कोई 20 करोड़ रुपए चाहिए. कितने चाहिए?
अब सर ये 20 करोड़ रुपीस जो आपका 200 मिलियन बनता है, 200 मिलियन कैसे, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 करोड़ हो गया 10 मिलियन और 20 करोड़ हो गया आपका 200 मिलियन। सर इससे कहा 200 मिलियन मुझे चाहिए। अब सर इससे कहा मेरे पास क्या 20 पार्टनर ऐसे हैं जो मुझ पर 1-1 करोड़ रुपए का भरोसा करें। उन्होंने कहा यार ये 1-1 करोड़ रुपए वाले लोग नहीं है, मतलब यार हमारी जो है किसी के पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती, इतनी सेविंग 1 करोड़ रुपए की बंदा खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर देता है, ऐसा ही नहीं है। अब सर इसने कहा क्या करें यार, इसने कहा यार देखो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है एज कम्पेयर टू आउटसाइड वर्ल्ड, हम एक ऐसी कंट्री, हम या एशियन कंट्रीज जो आ गई, हम लोग ना फजूल चीज़ों में बहुत खर्च करते हैं, और ये मोबाइल कवर केसेस ये सब कुछ क्या है, प्योरली अ वेस्ट ऑफ मनी। इसका कोई आया देखो कितना कूल लग रहा हूँ, देखो आई हैव अ बारबी ऑन माय केस, या आई हैव अ बेन 10 ऑन माय केस, हाँ अपना नाम इंग्रेव करवा लेना, लेदर का करवा लेना, कस्टमाइज करवा लेना, ये ऐसा कहीं और नहीं, ये एशियन कंट्रीज में क्या है हिसाब है, बिकॉज वी डोंट नो वेयर टू यूज अवर मनी एफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, हमें ये चीज़ों का सेंस नहीं है। अब सर इन्होंने कहा यार चलो ठीक है नहीं है ना, हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन्होंने कहा जब पाकिस्तान में ये करूँगा, अच्छा तुम लोग खुद बताओ अगर ये ऐसा प्लान बनाएगा तुम इसे कौन कौन करेगा, इसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, तो कुछ लोग ही बाकी कह रहे फेल हो जाएगा प्लान, कहाँ से फेल होगा, आज भी तो मोबाइल मार्केट है, तुमने मोबाइल नहीं बिकते जितनी एसेसरीज रोज की बिक्री होती है, तो मैं अगर इस चीज़ का अंदाजा लगा लेना पाकिस्तान की मोबाइल एसेसरीज की मार्केट कितनी बड़ी है, तो कहोगे सर अभी बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर अभी भी, किसका यार देख तेरी जैसी सोच अगर इम्तियाज वाले ने रखी होती ना आज से 10 साल पहले, हर गली के अंदर सुनो हर गली के अंदर 3 राशन वाले थे, कितने थे हर गली के अंदर, आपके पास सिर्फ पाकिस्तान में कराची में सिर्फ 2 सुपरमार्केट्स होते थे, एक आगाज सुपरमार्केट जो बंद हो चुका क्योंकि कोई जाता ही नहीं आगाज, और दूसरा नाही, कोई तीसरा एग्जिस्ट नहीं करता था। सर जब वो वाली सोच थी भाई राशन था ना, क्या था सीन, क्या था, हर आपको मसाला लेना होता तो कहीं और जाते थे, चावल लेने के लिए कहीं और, शान मसाले वगैरह लेने तो कहीं और, उसने क्या करा एक माइंड सेट बनाया ऑल अंडर वन रूफ, आप तो भाई हर गली के अंदर हर इलाके में 50 दुकान होती थी राशन वाले की, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग में नीचे दुकान है राशन की दुकान खोलो चल जाएगी, आज वो सारी राशन की दुकानें क्या हो गई है। तो ये तो सोच कभी करोगे तो बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उस जनरेशन में आ गए हो कि एट दिस एरा हर नेसेसिटीज पूरी, तुम कोई एक चीज नहीं कर सकते सर मुझे इस चीज की जरूरत है, उस चीज की कोई मार्केट या कोई प्रोडक्ट अवेलेबल या कोई जगह अवेलेबल नहीं है, और जो थोड़ी बहुत कमियां थी वो किसने पूरी कर दी, ऑनलाइन, जो थोड़ी बहुत कमी थी वो किसने पूरी कर दी, पांडा मार्ट ने कर दी, हम मार्ट ने कर दी। अब सर अब वो वाला दौर गया, तो सर मोबाइल एसेसरीज की मार्केट बहुत बड़ी है, यू जस्ट हैव टू गो विद अ डिफरेंट माइंडसेट, अलग डिजाइन के साथ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, चीज पता क्या होती है, बिजनेस क्या है, दूसरे की मजबूरी आपकी अपॉर्चुनिटी, दिस इज प्योर डेफिनेशन मेरे लिए, हम मेम्बरों के लिए एक ही डेफिनेशन है बिजनेस की, बा कोई भी मजबूरी फायदा फायदा, मतलब किसी की मजबूरी है अपना फायदा, अपॉर्चुनिटी क्या करो उसको ग्रैब कर लो, और उसको थोड़ा अलग तरीके से क्या करना है, बेचना, उस जगह तक पहुंचना है। तो सर अब इन्होंने कहा 20 करोड़ रुपए चाहिए, अब सर सक्सेसफुल तो हो जाए, अब सर तुम में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होगा, एग्जैक्टली मैं चाहता भी यही था, कुछ बच्चे अगेंस्ट है उसको, अब सर पैसे चाहिए उसको, बिजनेस को उसको करना है, अब सर इसने कहा 20 लोग तो मुझे नहीं मिल रहे, 50 तक जा नहीं सकता, 50 तक क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बनेगा। अब इसने कहा यार मेरे पास तो कोई लोग है ही नहीं इतने जाने, अगर मैं 50 लोग भी करूं तो 20 करोड़ को 50 से डिवाइड करो कितना आएगा, 40 लाख, मिसाल 50 लोगों में कितना आएगा 40 लाख, तो इसका सवाल आता है सर कोई 50 लोग ढूंढने का कहां से जो 40 लाख आज के दौर में दे सके, ऐसा है हाँ सर, या 50 या 25 लोग ढूंढो जो 80 लाख रुपए थे वो भी, सर आज के दौर में आपको मिलना मुश्किल है, जब लोग सर्वाइवल स्टेज में, जिसमें हर कोई सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है ना, यहाँ पे क्या बस किसी तरह टू मीट देयर एंड्स, एंड मीट्स करने वाली कहानी हो रही है सर। तो सर इसने कहा कि अरे काम करते हैं ना, बिजनेस तो अच्छा है और मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो मुझे जानते नहीं है, बट देयर आर इन्वेस्टर, काम करते हैं अपना, मस्जिद के बाहर जुम्मे को पैम्फलेट बांटते हैं,
कि हमारे बिजनेस आप क्या करो, इन्वेस्ट करो, हम आपको एक सर्टेन परसेंटेज का मालिक बना देंगे, आपको एक सर्टेन परसेंटेज का क्या कर देंगे, मालिक बना देंगे। उसने सुना, उसने कहा चलो ठीक है, मंदिर के बाहर गया, थोड़ी देर हुई, ये पैम्फलेट बांट ही रहा था, क्या है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, इसे क्या कम से कम अगर 1 लाख लोग हो जाए ना, कितने लाख हो जाए, 1 लाख लोग हो जाए, 20 करोड़ डिवाइड करो कितना, 200 रुपये आ गया। हाँ 200 रुपये बनता है, मेरी मेंटल में इतनी अच्छी भी नहीं है, फिर भी चेक कर लो, 200 बनता है। इसे क्या बना, 200 रुपये तो दे सकते हैं ना। हाँ मैं क्या करता हूँ, अपने बिजनेस के 1 लाख टुकड़े कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 1 लाख टुकड़े कर देता हूँ, हर एक टुकड़ा बेचूंगा 200 रुपये का, कितने का, 200 रुपये का। तो अगर किसी ने एक टुकड़ा खरीदा तो वो एक मालिक बन जाएगा 1/1 लाख का, 1/1 लाख क्या आता है, 0.501 आ जाएगा, सही है, 0.00001 आ जाएगा। तो सर इसने क्या करा, इसने भी कर रहा था, तो उसके थोड़ी देर बाद ये धूप भी बहुत थी, इसकी आंखों के आगे छा गया अंधेरा, अंधेरा छाया, थोड़ी देर बाद मुंह पे पानी आया, फिर भी अंधेरा, और उसको कोई करंट का शॉक मिल रहा है। देखा क्या हुआ, फिर कपड़ा हटा तो देखा चार दीवारी है, क्या मतलब मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ था, क्या खड़ा हुआ था, तो उसको तो उठा लिया गया, उठाया किसने, FIA ने उठा लिया, FIA उसको उठा लिया, ये क्यों सर, FIA उसको कैसे उठा सकती, ये क्या कर रहा था, पैम्फलेट तो बांट रहा था सर, ये पैम्फलेट जब बांट रहा था तो उस पैम्फलेट में अट्रैक्ट किसको कर रहा था, जब अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, पैम्फलेट बांट रहा था, या रोड पे कुछ कर रहा था, या लोगों को इस तरह से कोई वेबसाइट के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू अप्रोच कर रहा था, तो कर क्या रहा था सर, ही वॉज आस्किंग मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। और जब आप जनरल पब्लिक के साथ पैसे की डीलिंग करने पे आते हैं तो स्टेट का कंसर्न आ जाता है, गवर्नमेंट का कंसर्न आ जाएगा, क्यों सर, अगर कल को ये पैसा लेके भाग गया, कल को ये पैसे लेके तो स्कैम आ जाएगा, और फिर लोग कहेंगे दुनिया कहेंगे देखो पाकिस्तान में कैसे फ्रॉड हो रही है, गवर्नमेंट का सो रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहां पे। तो सर कोई भी बंदा मुंह उठा के इस तरीके से आवाम से पैसा मांग नहीं सकता। तो सर इससे कहा भाई मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था, सर डू टेल मी कि हाउ शुड आई अप्रोच द पब्लिक एंड आस्क देम फॉर द फंड्स टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी। So, उन्होंने कहा भाई जान एक पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है, क्या तरीका होता है, बोला एक बात बताओ, बोला जी आपको कैसा घर में लेट सपोज आपको पिकनिक पे जाना है, वीकेंड आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग से सबसे पहले एक चीज होती है, सबसे पहले आप किसी को भी जवाब दे, बोलोगे मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ क्यों बोलते, बजट नहीं यार, किसी ने भी बोला, क्या बोला, इजाजत लेनी पड़ती है किसे, अम्मा या अब्बा से, ऐसा ही है कि सर अम्मा या अब्बा से पहले इजाजत लेते हैं कि अब्बा अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस तरह पिकनिक पे दोस्तों के साथ चला जाऊं, इफ दे विल अलाउ देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, फिर कपड़े सेलेक्ट करना, ये करना, वो करना, ये सब चीजें क्या होती है बाद में। इसी तरह से जब आप, और अच्छा जब घर में अगर दादा अबू हो तो दोनों से, दादा बुआ दादा बुआ का बने जाती, फिर अब्बा बजाय अब्बा बनने, पहले अब क्या करो दादा बुआ से इजाजत ले लो। तो सर अब सुन, जब पाकिस्तान में बिजनेस करते हो, जब पाकिस्तान में आप बिजनेस करते हो सर, पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए आपके एक दादा बू बैठे हुए, और वो दादा बू का नाम है SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि सर तुम अब जो बिजनेस करने जा रहे हो वो एज अ कंपनी करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, बिकॉज सर व्हेन यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, व्हेन यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मेनी डिफरेंट आपके जो सिटीजन्स हैं, ना उनको अट्रैक्ट करके उनसे पैसा मांगने जा रहे हो जनरल पब्लिक से, देन यू विल हैव टू डू द बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी। आप एज अ सोल प्रोप्राइटर पैसा इतना है नहीं, मैं खुद नहीं कर सकता, पार्टनरशिप इतने लोग मिल ही नहीं रहे, एज अ पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते, हम क्या करेंगे बिजनेस एज अ कंपनी। और सब कंपनी को बिजनेस करने के लिए सबसे पहले याद किसकी लेनी पड़ेगी, SECP की। मतलब SECP के पास गए तो SECP ने कहा हाँ भाई क्या चाहिए, हमने कहा यार हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, बिजनेस प्रॉफिट में आएगा, आपको टैक्सेस देगा। तो SECP कहेगा आए सत्तू पियेंगे या ड्रिंक पियेंगे, वो डिपेंड करता है आपका ब्रीफकेस कितना भारी है, रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, सही है। तो सर
मगर सर दादा अबू डाला की इजाजत, दादा अबू डाला की इजाजत नहीं देते। क्यों सर? सर दादा अबू ना ऊपर से बैठ के एक समझो बाज है, क्या है वो ऊपर से बैठ के सब चीज़ों को क्या कर रहा है, व्यू कर रहा है। जहाँ कोई लड़खड़ा रहा होता वहाँ जाकर झपट्टा मार देता, सही है। उन्होंने क्या करी हुई, चीलें छोड़ी हुई, क्या करी हुई सर उन्होंने, चीलें छोड़ी हुई मतलब अब्बा छोड़े हुए बहुत सारे। अब मिसाल के तौर पर सर आपके यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, एक है बैंकिंग इंडस्ट्री, कौन है सर बैंकिंग इंडस्ट्री के दादा अबू कौन है, SECP बैंकिंग इंडस्ट्री के दादा अबू कौन है, मगर सर बैंकिंग इंडस्ट्री के कब्बू भी वो कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो अबू हैं। आपको बोला कि अबू से ज्यादा लेनी पड़ती है कि अबू अबू मैंने बैंक खोलना है, तो अबू आपका पहले लेंगे इंटरव्यू। अबू बोलते भाई देखो ये चीज है इस इंडस्ट्री के अंदर, इतना एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है क्या, क्या तुम इस चीजों को कर लोगे, तुम्हारी क्वालिफिकेशन सब चीजों को क्या करेंगे, तुमसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कहीं ऐसे करके तुम भाग जाओगे, फिर जाके वो इजाजत देंगे तो ही जाके दादा अबू इजाजत देंगे, और दादा अबू इजाजत नहीं देंगे। सर लेट सपोज तुमने कहा यार एक हाजमूला है, मैं एक दवाई लगाता हूँ माजमूला, तो ये मजा आ जाएगा उसमें माजमूला लगाते हैं। अब सर क्या तुम माजमूला ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में बेचना शुरू कर सकते हो? हाँ सर, सर ऐसा करोगे तो ISO सर्टिफाइड वगैरह नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। और सर ISO सर्टिफिकेशन की तो बात तो बाद में आती है, सबसे पहले आपने जाके इजाजत लेनी है किससे, अबू कौन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के, ड्राफ्ट ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अभी तुमने मेडिसिन के लोग कौन है यहाँ पे, वो मेडिकल वाला कोई भी नहीं था, कोई मेडिकल वाला नहीं है एक, तो तुम्हें तो पता होगा ना ड्राफ्ट का, तो कोई भी वो अलग से कहा ना, तो ड्राफ्ट का पता है नहीं पता नहीं। तो सर आपको अगर कोई भी लेट्स को कोई मेडिसिन अगर आपको पाकिस्तान मार्केट में बेचनी है ऑफिशियल तरीके, किस तरीके से फ्रंट पे लगा के बेचनी है, सो आपका जो प्रोडक्ट है वो किससे ऑथराइज होना चाहिए, ड्राइव से। ड्राइव आपको उस प्रोडक्ट की इजाजत देगा तो ही जाके आप कंपनी फॉर्म करके पे क्या कर सकते हो, अपना SECP के पास रजिस्टर करवा के अपनी कंपनी का फॉर्म कर सकते हो। इस तरह से मोबाइल मार्केट का है तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। अब सर लेट सपोज सर पेट्रोल पंप में सुना है बहुत पैसा है, सुना है ना कि अगर आपकी किसी समझ है ना उन लोगों से सेटिंग है कि ईरान के बॉर्डर से आ जाए तो आपका पेट्रोल पंप हो, आप पकड़ो 50 में बेचो कितने में, 250 में, 1 लीटर पे 200 का फायदा, मतलब 400% ROI, सही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सर आप देखा पेट्रोल पंप में बहुत फायदा, तो क्या सर कोई भी बंदा रातों रात सोचे कि यार चल जा कल पेट्रोल पंप खोलते हैं, और कल पेट्रोल पंप खोलने के बाद जाके बोले यार सब लोग बेच रहे हैं 250 का, मैं 300 का बेचूंगा, हाँ नहीं हो सकता, क्यों कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम इस इंडस्ट्री में आ रहे थे, तुम जब पेट्रोल के लिए आ रहे थे तो तुमने इजाजत लेने गए थे कहाँ पे, ओगरा पे, और ओगरा पे तुम अबू से इजाजत लेने गए थे तो ओगरा ने तुम्हें बता दिया था भाईजान ये पेट्रोल के प्राइसेस कोई डिमांड सप्लाई पे निर्भर नहीं करते, ना तुम कम कर सकते हो, ये जो प्राइसेस जो गवर्नमेंट अगर रात को 2 बजे कहेगी ना कि लेट्स सपोज तुम्हें 300 का पेट्रोल खरीदा हुआ, कितना खरीदा हुआ है, अब सब मार्केट में वैसे ही अभी आजकल एहतजाज वगैरह बिजली का ये वो, तो गवर्नमेंट का काम करता है ना, लोगों को रिलीफ देते हैं, क्या करते हैं रिलीफ देते हैं, तो पेट्रोल 285 का कर देते हैं, कितना कर देते हैं 15 रुपये गिरा दिए। अब जिस पेट्रोल पंप वाले ने आज ही 50,000 लीटर का ट्रक उतरवाया है अपने पेट्रोल पंप पे 300 लीटर के हिसाब से, वो बोलेगा मैं 285 में बेचूंगा तो मेरा तो 15 रुपये का, और 50,000 × 15 कर दो 7.5 लाख रुपये हो गए, कहेगा एक टैंकर पे मेरा 7.5 लाख का क्या हो गया, बैठे बैठाए गवर्नमेंट की खाली बात पे क्या आ गई, चमाट आ गई, सही ना सर, उसको तो पता भी नहीं था ऐसा होगा, और हर 15 दिन में उसके लिए क्या है चीजें वेग है, फिर हर 15 दिन में क्या चीजें वेग है, तो सर वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया, इतना ही स्टॉक मंगवाओ जो 15 दिन में क्या हो जाए खत्म हो जाए, ताकि 100-150 लीटर क्या हो, 100-150 लीटर बचाओ आओ, या 200 लीटर हो या पंप बंद कर दो, फिर देखो 15 दिन बाद प्राइस क्या आती है, 13 दिन में खत्म हो गया वो पेट्रोल कम मंगवा लेते हैं ताकि 2 दिन की कंजम्पशन हो जाए, वो स्टॉक अब जमा नहीं रखते। तो सर ये सारी चीजें बिजनेस करने से पहले आपको किसने बता दी, ओगरा ने बता दी, उसके बाद जब तुम राजी हुए तब जाके तुम्हें क्या किया गया, SECP ने इजाजत दी, उसके बाद जाके तुमने अपना बिजनेस क्या कर लिया, एज अ कंपनी फॉर्म कर लिया। अब सर जब SECP के पास जाते हो तो सर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक क्या होता है, दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली,
वो आपको जमा करवाने होते, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा सर, ये सारी चीजें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, कंपनी तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट हमें चीजें देखनी है क्या किसकी क्या चीज होती है, ठीक है। तो सर हमारे कोर्स में सोल प्रोप्राइटर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सही है, और पार्टनरशिप नहीं है आपके पास, कंपनी नहीं है, एज अ सोल ट्रेडिंग भी है और सोल मैन्युफैक्चरिंग भी, ये दो आपके कोर्स का पार्ट है पीआरसी के, ठीक है। तो सर अब होता क्या है सर कि जब आप एससीसीबी के पास रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, एट दैट टाइम आपको दो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? और सर वो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब सर या मेरी कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट है जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, प्लीज अंदर रख दो, मुझे पता नहीं इरिटेशन होती है, मुझे लगता है कि लाइक आई एम अ डॉग बार्किंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड दे आर लीस्ट बॉदर टू लिसन, सही है। सो मेरी दिल से प्यार से रिक्वेस्ट है, प्लीज मोबाइल मेरे सामने यूज ना करो, कोई यूज करना बाहर यूज करके प्लीज वापस आ जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सर आपके पास होता है आर्टिकल एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब सर ये वाला जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल एसोसिएशन मेमोरेंडम एसोसिएशन, सर इसके अंदर लिखा हुआ होता है पहले से कि आपकी जो कंपनी ये फॉर्म हो रही है, आपकी जो कंपनी फॉर्म हो रही है, तो आप कौन सा बिजनेस करोगे। अब सर इसका फायदा क्या है, मतलब ऐसा क्यों है सर? सर लेट्स सपोज जब हमने कल मिसाल ली थी जैनब की, वो कैट फूड बेच रही थी, वो अचानक से डॉग फूड पे स्विच हो जाए, तो मुझसे पूछना है नहीं, व्हाई सो प्रोपराइटर। मगर जब वो जवेरा के साथ शायद पार्टनरशिप में आ गई थी, तो सर वो तब भी अकेली नहीं, दोनों की हामी होना जरूरी, अगर तीन पार्टनर है तो दो लोगों का हाँ बोलना जरूरी है, और चार पार्टनर है तो दो ने हाँ बोला दो ने ना बोला, तो वो डिसीजन क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड। तो सर इस तरीके से जब बात आती है सर कंपनी की, तो सर कंपनी में सर आपने जो एक छोटा सा टुकड़ा कंपनी की मालिक होने का, वो 200 रुपए का बेचा, कितने का बेचा और कितने टुकड़े हैं? 1,00,000। मतलब सर इस बिजनेस के 1,00,000 डिसीजन मेकर्स होंगे, क्या होंगे? 1,00,000 डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, 1,00,000 शेयर्स किसकी, शेयर्स का नाम सुना है सर? बेसिकली शेयर्स होते क्या हैं कि अगर आपको कंपनी के अंदर 20 करोड़ रुपए चाहिए और आपने कहा हर एक से क्या करो 200 रुपए ले लो, तो आपने क्या करा, अपनी कंपनी के कितने टुकड़े कर दिए, 1,00,000 टुकड़े, 1,00,000 टुकड़े आपने अपनी कंपनी के कर दिए। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं हम, ये शेयर्स हैं, कि कंपनी के 1,00,000 शेयर्स हैं और उनकी मालिक कितनी बनती है, 20 करोड़, एक शेयर 200 का और टोटल 20 करोड़। अब सर होता क्या, अब सर जब आपको इजाजत मिल गई, अब आप क्या कर सकते हो, अब भी सर आप इस तरह जनरल पब्लिक में जाके बेच नहीं सकते, आप क्या करेंगे, बैंक्स होते हैं, कौन होते हैं, बैंक्स। सर बैंक से क्या होगा, सर बैंक्स के पास आप जाओगे और सर बैंक्स के पास अपने फॉर्म जमा करवा दोगे, क्या कर दोगे, फॉर्म्स जमा करवाओगे। तो सर क्या होगा, जब फॉर्म जमा करवाओगे तो सर जिस बंदे को आपके इस बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, कौन सा बिजनेस में, मोबाइल एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में, वो आपके बैंक को कहेगा भाई ठीक है मुझे आप शेयर्स दे दो, मतलब कितने, बैंक शेयर्स नहीं देगा, बैंक खाली पैसे लेगा, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन मनी, क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन मनी बैंक आपसे लेगा, आप कहोगे कि यार मेरे पास लेट सपोज 1,00,000 रुपए, कितने, ये 1,00,000 रुपए और मुझे कितने शेयर दे दो, 500, कितने दे दो, 500 ही बनेंगे ना, हाँ 1,00,000 के 500 बनेंगे, आपने कहा भाई 500 शेयर मुझे दे दो, एक बंदे ने कहा भाई 5,00,000 रुपए, कितने, मुझे 2,500 शेयर दे दो, एक बंदे ने कहा, पान वाले ने कहा, किसने कहा, पान वाले ने कहा भाई यार मेरे पास तो 200 रुपए ही है, बोला एक शेयर की आप क्या कर लो फॉर्म भर दो, सबने क्या करा फॉर्म भर, सबने क्या करा फॉर्म भर। अब सर होता क्या, सर जब ये फॉर्म्स भर गए, अब आपके होते हैं शेयर्स अलॉट, क्या होता है सर, जैसे ही आपने शेयर अलॉट कर दिया, तो वो बंदा जिसको आपने शेयर अलॉट किया, वो बंदा जिसको आपने शेयर अलॉट किया है, वो बन जाता है शेयर होल्डर, उसको क्या कहते हैं। तो सर एक बिजनेस में अगर मैं कभी भी ओनर्स का वर्ड यूज करूं, क्या यूज करूं,
मैं अगर किसी भी एग्जांपल में आज के बाद ओनर्स का वर्ड यूज करूं तो तुम्हारा दिमाग तीन लोगों को क्लिक करना चाहिए, कितनों को? वेदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटर और अ पार्टनर और अ शेयर होल्डर, ये तीनों कौन है? मालिक है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का, पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस का, शेयर होल्डर कंपनी का ओनर। सर सोल प्रोप्राइटर में एक ओनर, पार्टनरशिप में 2 से 20, कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे आपके शेयर होल्डर्स हो। अब सर जब बात आती है किसकी? कंपनी की। तो सर इतने सारे शेयर होल्डर हैं जिसमें एक डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, कौन है? एक डॉक्टर भी, एक इंजीनियर, पान वाला भी है, हजाम भी है, सबने क्या किया है? शेयर खरीद लिए हैं और एक सर्टेन परसेंटेज के क्या बन गए हैं? मालिक ओनर बन चुके हैं। अब सर एक पान वाला कहता है यार वो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो मैं ही संभालूंगा, हिसाब किताब मैं संभाल। दूसरा कहता है यार वो लोगों से डीलिंग है ना, फॉरेन कंट्री से डीलिंग हो, जो रॉ मटेरियल मंगवाना है। डॉक्टर कह रहा है आई विल बी द वन हु विल रिस्पांसिबल फॉर इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल, जो सबको सामान चाहिए, मशीन वगैरह। हमने कहा ये क्या चल रहा है यार, अब 100,000 लोगों को हैंडल कैसे करोगे? ये सवाल आता है ना सर, यार जब से इतने सारे मालिक हैं तो सर हाउ वी विल हैंडल द सिचुएशन, ऐसा या नहीं है? तो सर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जैसे हमारा कितने 22 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है, इस 25 करोड़ को कौन संभाल रहा है? कितने लोग हैं वो गिनती के? 272। हाँ फिर सेनेट में कुछ है, 300 लोग हैं, 300 लोग बैठ के फैसला करते हैं किसका? 25 करोड़ आवाम और इतने बड़े मुल्क पाकिस्तान का। वो फैसला कैसे करते हैं सर? हम लोगों ने ही क्या क्या होता है उन्हें, वो हम लोग करते हैं या खुद हो जाते हैं वो बात की बात है। तो सर प्रोसेस तो पूरा यही होता है कि क्या होता है, इलेक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के ऊपर क्या होती है? वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद एक बंदे को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा ही है सर, सेम गोज विद कंपनीज। कैसे? जब कंपनी फॉर्म हो जाती है, असर कंपनी चलाएगा कौन? सर एक तो सबसे पहले शहजिल कहेगा कि भाई मैं एक पार्ट रहूंगा मैनेजिंग के अंदर, मैं एक पार्ट, क्योंकि ब्रेन चाइल्ड किसका? बिजनेस का। ये बिजनेस किसका ब्रेन चाइल्ड है? शहजिल का। एक इमदाद, इन्वेस्टर इमदाद ने कहा मुझे भी एक सर्टेन, अब भाई बिजनेस बड़ा हो गया जैसी बात है, मैं तुम्हारे साथ उस वक्त से, तब तक तुम्हें किस पे भरोसा? तुम पे किसी से भरोसा ना, मैं तुम्हें पहले कंटेनर के पैसे देता ना तुम आज यहां तक पहुंचते, ऐसा है ना सर? तो सर इन्होंने भी क्या करा, कुछ कुछ शेयर अपने पास रख लिए। अब सर सिनेरियो क्या होगा? अब सर इलेक्शन के लिए आपके लोगों के लिए पहले तो ना नॉमिनी होता है कि वो इलेक्शन के लिए फिट है या नहीं, उसको इलेक्शन टिकट मिलती है या नहीं मिलती। तो सर हर चीज के लिए आपके पास क्या आती है? एक लिस्ट आती है कि भाई कंपनी के अंदर ये डायरेक्टर चाहिए, डायरेक्टर फाइनेंस चाहिए, डायरेक्टर सेल्स चाहिए, डायरेक्टर मार्केटिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? अपने आप को उम्मीदवार बनाते हैं। क्या कोई भी उम्मीदवार बना के खड़ा हो जाएगा? उसके लिए एक रिक्वायर्ड क्राइटेरिया होता है जो कंपनी लॉ के हिसाब से, किस हिसाब से? कि भाई क्योंकि सर अब जो ये लोग जिसके पैसों के ऊपर नाचेंगे, इनके बाप का पैसा है, पब्लिक का पैसा है सर। किसका पैसा है? तो पब्लिक का पैसा है तो गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं छोड़ देगी ना आपको कि भाई जिस तरह मर्जी क्या करो, खर्च कर लो। नहीं सर, प्रॉपर क्या बने हुए हैं? क्राइटेरियाज बने हुए हैं सर। इलेक्शंस के तब आपको पहले नॉमिनी होना है, नॉमिनी के लिए आपको बेस्ट फिट रहना है वहां पे, बेस्ट फिट के बाद अब होंगे इलेक्शन। क्या आपको लगेगा ना भाई ठीक है डॉक्टर है तो भाई तुझे फाइनेंस थोड़ी, उसको क्या करेंगे पहले ही रिजेक्ट के, तुम्हें तो इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं होने देंगे, आपने सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा करने रोक दिया। अब सर क्या हुआ? अब सर लोग 1,00,000 नहीं है, शेयर 1,00,000, लोग 1,00,000। क्यों सर? किसी ने 1,000 रुपए देके 5 शेयर ले लिए, किसी ने 10,000 रुपए देके 50 शेयर ले लिए, ऐसा ही है। तो सर यहां पर जो लोग हैं आपके पास, लोग कम होंगे, लोग क्या होंगे? मगर सर जिसके पास 10 शेयर्स हैं तो सर उसको वोटिंग राइट है 10/1,00,000, एक बंदा। कौन? अब एक बंदा उसका 50,000 शेयर है, कितने शेयर है सर? वो तो फिर 5% का, कितना नहीं 50% का, अगर 50,000 शेयर में कितना हो गया 50,000 के बाद 5,000 शेयर है तो वो 5%, एक बंदे के पास 2,000 शेयर है तो उसके बाद 2% वोटिंग राइट्स होंगे, क्या होंगे? अब सर ये लोग अपने वोटिंग राइट्स को यूज करके
डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, अलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, अलेक्ट करते हैं। अब सर देखो, कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, कंपनीज के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सर वहां पर आपने डायरेक्टर्स अलेक्ट कर लिए ना, अब आपने कहा डायरेक्टर्स तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम बिजनेस चलाओ, हम देखते हैं तुम साल के एंड में क्या बताते हो। अब सर 1,00,000 शेयर्स, 7 डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर, ये 7 लोग होते हैं जो पूरे बिजनेस को क्या करते हैं, रन करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, साल का एंड आ गया, क्या आ गया, साल का एंड आया। अब सर तुम्हारा अगर अपना बिजनेस हो तो तुम्हें किस चीज का कंसर्न होगा साल के एंड में, प्रॉफिट का, किसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का। आए सर अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिसाल है, कल सेटअप की मिसाल है, लेट्स सपोज तुमने कैट फूड का बिजनेस खोला था, कहाँ पे, DHA में, इनकी डिमांड आना शुरू हो गई टारिक रोड से, उन्होंने वहाँ पे भी आउटलेट खोल लिया, अब सर इनकी गुलशन पे भी आने लग गई, मैं गुलशन खोल लिया, फिर इनके पास सर सखर वगैरह हैदराबाद लाहौर सब जगह पे तुमने क्या कर लिया, अपने आउटलेट्स खोल दिए। अब सर ये जैना में रजनीकांत तो नहीं है, हाँ हर जगह पे पहुँच सकती हैं, हर जगह पहुँच सकती हैं, नहीं, शी कैन बी एट वन प्लेस एट वन टाइम। फिर सर का बिजनेस थोड़ा ग्रो हुआ, ये पहुंच दुबई, मैंने कहा दुबई में जाके क्या करती हूँ, वहाँ पे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, और वहाँ पे जब गई तो वहाँ की लाइफ अच्छी लगती, मैंने कहा लेट्स स्टे हियर। अब वो वहाँ पर स्टे कर रही हैं, और उन्होंने क्या करा, पाकिस्तान के जो चारों प्रोविंसेस हैं वो एक एक रीजनल हेड को बांट दी, क्या बांट दिए, एक कंट्री हेड बन गया, एक को बना दिया कंट्री हेड और बाकी सबको प्रोविंशियल हेड, प्रोविंशियल हेड के अंदर सिटी हेड, इस तरह कर करके इन्होंने अपनी क्या कर दी, हायरार्की बना दी। सर एट द एंड ऑफ द ईयर इनका कंसर्न किस चीज का, कि जो प्रॉफिट बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रोडक्ट के अलावा, जो सबसे बड़ा कंसर्न चलता है किनका, पेप्सी वालों का, कोका कोला का चलता था एक जमाने में, जिसको वो आज तक केटर, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसी आपकी इंडस्ट्री होती है आप केटर कर नहीं सकते, वो क्या सीन था सर, सर पेप्सी का फ्रिज दिया हुआ किसने, दिया हुआ किसने, पेप्सी ने, और अंदर क्या रखी हुई, अब रखी हुई कोला नेक्स्ट, कोला वर्ना कोला, हाँ सर उनका दिल जलेगा ना कि यार माल हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारी, और ये क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसी तरह सर आपके ओनर को एक कंसर्न रहेगा कि यार ये जो कैट फूड या डॉग फूड है क्या ये मेरी कंपनी का ब्रांड है, या ऐसा तो नहीं है कि अपना, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं तुम्हारा बाबा वाले का, के समद भाई, लेट सपोज समद भाई के पास है जमजमा की ब्रांच, कौन सी ब्रांच है, जमजमा की ब्रांच कौन संभाल रहे हैं, समद भाई। अब सर समद भाई के हो सकता है कि ऐसी सेटिंग हुई हो कि आपके कोई हो, क्या नाम है, आहद, तो आहद भाई एक दूसरी कंपनी के कैट फूड के क्या थे, डायरेक्टर थे, वो पहुंचे समद भाई के पास, तो समद तुम्हारे पास कस्टमर बहुत है, तुम्हारा एक ब्रांड बन चुका है, तो आप कस्टमर बहुत आते हैं, तो अपनी दुकान के अंदर हमारी कंपनी का भी क्या करो, प्रोडक्ट रख लो, तुम्हारा क्या दे देंगे हम, कमीशन दे देंगे, क्या दे देंगे, तो सर समद भाई तो ये तक नहीं करना, और क्या ये करना इजाजत है, सर PSO पंप के ऊपर यही होता है कि आप PSO के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरी कैनोपी वगैरह सब उससे खर्चा करवाते हो, 1.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं उसके ऊपर, और फिर पेट्रोल क्या करते हो, ईरानी पेट्रोल भी अपने टैंक में भरवा के बेच रहे हो, सब कुछ बेच रहे हो, और नाम भी सर खराब होता है, हम ये कहते हैं कि किसका पंप है, हम क्या कहते हैं, PSO का पंप है, ऐसा या नहीं है। तो सर एक तो ये चीज हुई, दूसरी सर हो सकता है कि जो प्रॉफिट वो बता रहे हो वो सही ना बता रहे हो, ऐसा या नहीं है, मसला आ गया ना सर। दूसरा शैजल इमदाद, इमदाद भाई ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी शैजल के पास, अब इमदाद भाई हर साल के एंड में शैजल को बताते हैं, सॉरी शैजल भाई इमदाद भाई को हर साल के एंड में बताते हैं, इमदाद भाई इतना प्रॉफिट हुआ, अब इसके फरिश्तों को भी कैसे पता चलेगा कि सही बता रहा है नहीं बता रहा, पैसा तो भाई नीयत तो खराब कर देता है ना, एक ऐसी चीज रोड पे पड़ी हो बंदा उठा लेगा, और कुछ ही रोड पे पड़ी हुई उठाएगा, और पैसा किसी भी हालत में हो क्या करेगा, अट्रैक्शन है ना ऐसी, वैल्यू है उसकी, हालांकि पेपर है बट इट हैज अ वैल्यू। तो सर इमदाद भाई बैठे हुए हैं सऊदी अरब में या मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, तो शैजल पे कैसे भरोसा करें भाई, स्लीपिंग पार्टनर है ना, कौन है, स्लीपिंग पार्टनर है। सर तुम पूरी क्लास थी जो शेयर होल्डर बनी हुई थी किस कंपनी में, शैजल और इमदाद के पास, डायरेक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 डायरेक्टर्स थे,
बाकी पांच और ये दो खुद सात, बाकी तुम सब कौन थे? शेयर होल्डर। अब सर तुम्हें तो बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट की इजाजत, अब ये सातों मिलके कोई भी गेम खेल ले तुम्हें पता चलेगा हाँ प्रॉफिट जो भी बताएंगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब सर लेट सपोज इन्होंने प्रॉफिट बताया भाई 4 लाख प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? तो हर एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिल जाएंगे? एक शेयर के बदले 4 रुपए, कितने मिल जाएंगे? 50 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 25 पैसे, कितने हुआ? नहीं 50 पैसे, 1 लाख है ना। अगर 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले में कितने, जिसके बाद 5,000 शेयर होंगे उसको 2,500 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा ही है। तो सर ये जो बता रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, क्या आप जाके चेक कर सकते हो? तो आप अगर चेक करने गए और कंपनी ने शेयर होल्डर्स को मुंह देना शुरू कर दिया तो सर काम तो नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पर पीएसओ जो है, कौन है? पाकिस्तान स्टेट वाइज ये एक कंपनी, इसके शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं। आप अभी जाओ और जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से एक शेयर खरीदो, कितना खरीदो? एक शेयर खरीदोगे सो इवेंचुअली लीगली आप क्या बन जाओगे? पीएसओ के ओनर। क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? ओनर। तो सर क्या तुम वहां जाके कह सकते हो यार चाय वाय मंगवा दो, कॉफी मंगवा दो, आज मैंने भाई वो अलग बन गया हूँ मैं यार, दोस्तों को पार्टी करवा दो कॉन्फ्रेंस रूम में जाके, आओ बारिश का मौसम है समोसे मंगवा लो, हाँ बटर चॉकलेट कैफे से हॉट कॉफी भी मंगवा लो, ऐसा करोगे सर? वाई सर? सर बिकॉज यू गाइज आर नॉट अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, और तुम लोग जाके बीच में जाके सवाल नहीं उठा सकते ओनर होने के बावजूद। क्यों सर? अगर तुमने कोई इजाजत दे दी तो हर बंदा जाके पूछेगा, हाँ भाई के इलेक्ट्रिक में कितना उधार है, साले मेरा बिजली का बिल नहीं दे रहे इनकी ऐसी की तैसी, साले इतना वो कर रहे हैं, मेरे नेट मीटरिंग लगाई हुई है उनको बेचा हुआ है, साले कह रहे 3 महीने बाद पैसे देंगे, मैं इनके पैसे काटूंगा, बिजली का बिल आता है, ओ अच्छा हमारे पैसे निकलते ना उस पर, ठीक है हम बिजली नहीं दे रहे, हम के इलेक्ट्रिक को क्या कर दिया? आई एम द राइटफुल शेयर होल्डर ऑफ PSO, you owe them this much amount and you have sent me the bill of this, so say just कर लो। Character case भी क्या चल रहा है यार? हाँ जी, तो सर आपके पास जब इस तरह की चीज आएगी तो सर आपने PSO का कोई हिसाब किताब इस तरह मांग नहीं सकते। आप जाके पूछो, हाँ भाई रास्ते में कितना तेल आ रहा है, अभी ईरान से क्यों नहीं ले रहे, क्यों अमेरिका के अंदर घुसे पड़े हुए, क्यों सऊदीया से ही तेल लेना, ईरान दे रहा है सस्ते में वहां से लो ना, तो क्या करेगा? आपको जवाब देगा? जवाब देगा, बट एक सर्टेन टाइम, बट एक सर्टेन टाइम। अब सर सैंक्शन लगाया हुआ यूएस ने ईरान के तेल पे, लगाया हुआ ना कि पाकिस्तान में ईरान का तेल बिक नहीं सकता, कौन सा तेल बिकेगा जो डॉलर के रेट के थ्रू आता है और जो सऊदीया से आता है। अगर लेट सपोज आपने एक पेट्रोल कंपनी बनवाई, आपका क्या नाम है? पर्पल ब्लू मैं, हाँ तुम आहत, सर लेट सपोज आहत ने एक पेट्रोल पंप खोल लिया आहत पेट्रोलियम के नाम से, किसके नाम से? सर आहत पेट्रोलियम एक कंपनी है, क्या है? दुनिया का जो पूरे पाकिस्तान का क्या करा है, पैसा इकट्ठा किया पेट्रोल कंपनी खोल ली। अब सर अब इनके डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि यार सऊदीया के तेल में इतना मुनाफा महंगा है, ईरान का तेल बेचने सस्ता है, और इन्होंने अंदर खाते ईरान से तेल मंगवा के बेचना शुरू कर दिया और आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, क्या आप लोग इस चीज पर हामी भर लोगे? क्यों सर? क्योंकि सर ये कंप्लायंस नहीं कर रहे, ये इलीगल एक्ट कर रहे हैं, जिस इलीगल एक्ट की वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्शन लेगी और कंपनी को क्या कर देगी, बंद कर देगी, और आपका सारा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो सर आपको क्या पता कि ये ईरान से पेट्रोल ला रहे हैं या सऊदी से खरीद रहे हैं? बिकॉज यू गाइज आर द शेयर होल्डर एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो इन टू द कंपनी एंड लुक कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ज़ैनब हर जगह पहुंच नहीं सकती, इमदाद पाकिस्तान के ऑपरेशन देख नहीं सकता, आप लोग कंपनी के मामला देख नहीं सकते। तो सर इतने सारे मसले मसाइल में लोगों की मजबूरी और ऑडिट फर्म की अपॉर्चुनिटी, वहां पर आता है बीच में आपका कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट।
वो जाएगा तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करोगे और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ ज़ैनब या ऑन बिहाफ ऑफ इमदाद या ऑन बिहाफ ऑफ दी शेयर होल्डर्स, और वो जाके देखेगा और एक रिपोर्ट के तहत आपको बताएगा कि भाई ये जो समद भाई ने प्रॉफिट बताया है सही है या समद भाई ने प्रॉफिट बिल्कुल सही बताया, बट साइड में अपना भी कारोबार खोल के रखा हुआ है, ये कौन बताएगा? और चार्ट अकाउंटेंट का वो एक्सपर्टीज होती है, वो टेक्निकल स्किल्स होती है कि वो क्या करता है, इन चीजों को जज कर लेता है। वो देखो वो औरत नहीं है, सॉरी मतलब शकी नहीं है, उसका दिमाग शकी होना चाहिए, उसका दिमाग स्केप्टिकल माइंड होना चाहिए। मतलब वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाता, वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए सर ऑडिटर का काम है, ऑडिटर का काम है कि जाके एग्जामिन करना, क्या करना, एग्जामिन करना कि जो चीज बताई जा रही है, जो चीज बताई जा रही है वो सही बताई जा रही है या गलत बताई जा रही है, और प्लस क्या ये बिजनेस कंप्लाइंट है या नहीं है। अगर नॉन कंप्लाइंट है तो क्या होगा, शेयर होल्डर कहेंगे, शेयर होल्डर कहेंगे बिजनेस बंद करो, शेयर होल्डर उसी वक्त एक मीटिंग बुलाएंगे और इन सारे डायरेक्टर्स को क्या कर देंगे, फारिग कर देंगे, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, हाँ यहाँ पे क्या होता है, अगर 10 लाख पब्लिक, अगर 10 लाख लोग, ये आपके रूल्स में भी है कि अगर आपने 1 मिलियन पीपल रोड पे निकाल दिए तो क्या होगा, तो क्या होगा, नहीं मार्शल लॉ लगने की चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब मार्शल लॉ लगता है तो मुल्क वैसे 10 साल का जाता है पीछे, तो फिर गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है टू कॉल फॉर री इलेक्शंस, और वो आपके 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं होता और आपके क्या होता है, इलेक्शंस हो जाते हैं। सर कंपनी भी उसी तरह ही क्या कर रही है, चल रही है कि अगर आपको इतना पता चलता है कि किसी बंदे के ऊपर आपको डाउट हो गया, कुछ हो गया, तो आप क्या करो, आपको भाई इलेक्शन 3 साल का होता है, आप क्या कहो, यार ये बंदा समझ में नहीं आ रहा, 1 साल के बाद एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, एक डायरेक्टर मार्केटिंग है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, तेरा मोबाइल बज रहा, मोबाइल सर, तो सर आपके पास क्या होती है, इलेक्शन फौरन कॉल आउट हो जाते हैं और स्ट्रांग आउट। अच्छा सर अब मजे की बात, स्टीव जॉब्स को कौन कौन जानता, कौन नहीं जानता, स्टीव जॉब्स एप्पल, खाना वाला एप्पल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एप्पल है ना, वो बाइट हुआ एप्पल जो है वो कौन कौन था उसका फाउंडर, स्टीव जॉब्स को आप लोग किस नाम से जानते हो, मतलब उसकी पहचान क्या है, हाँ एप्पल कंपनी का फाउंडर, ब्रेन चाइल्ड। आपको ये बात पता है, स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, कैसे निकाल दिया, मतलब अपनी अपनी कंपनी, किसकी, जो उसने बनाई खड़ी करी, अपनी कंपनी से क्या किया गया, प्लीज आपका दिमागी तवाजुन अब ठीक नहीं रहा, आप कुछ अलग सोच रहे हैं जो कंपनी के विजन के इन लाइन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसी जगह पे पैसा बर्बाद करने की कर रहे हैं जहां से कुछ हासिल वसूल, जहां से कुछ हासिल वसूल नहीं होना। तो स्टीव जॉब्स को क्या किया गया, हटा दिया गया, कैसे हटाया सर, सर उसकी एक गलती थी, उसकी एक गलती थी जो एलन मस्क ने नहीं की, वो क्या गलती थी, मेजॉरिटी शेयर्स एलन मस्क ने अपने पास रखे हुए, बाकी क्या किए हैं, पब्लिक में दिए, स्टीव जॉब्स ने इतने शेयर्स मार्केट में दे दिए कि उसका अपनी खुद का स्टेक इतना नहीं रहा था। तो सर जब इलेक्शन होता है, अब सर लेट सपोज इस डायरेक्टर को रखना है, इसको नहीं रखना, इसको रखना है, इसको इलेक्शन होगा, सब वोटिंग करेंगे, क्या करेंगे, जब वोटिंग करेंगे तो सर अगर शेजल के पास 20% है, कितना है सर, और आपके पास कोई 5 लोग ऐसे थे जिनके पास 10% था, क्या था, वो 10% वाले लोग अगर बन गए, मिल गए, कार्टल बना लिया, क्या बना लिया, कार्टल बना लिया, वो मिल गए, तो वो क्या करेंगे, शेजल को ही
आराम से साइड पे करके रख देंगे। सर आपने देखा ना, बहुत दफा मैं सुना है क्या रातों रात कंपनी की मैनेजमेंट चेंज होगी। रातों रात कैसे चेंज होगी कि सर एक बंदा कंपनी के शेयर्स क्या कर रहा था, एक्वायर किए जा रहा था शेयर्स, एक्वायर करता मतलब वो परसेंटेज का मालिक ज्यादा बन रहा था, परसेंटेज का मालिक ज्यादा बन रहा था, और ज्यादा बनने के बाद उसने क्या करा, पूरी पूरी मैनेजमेंट का तख्ता पलट दिया। और वो अब जो भी डिसीजन मेकिंग करेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब उसके अंदर भी आपके पास लॉ के नंबर सारी चीजें हैं। तो सर कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि सर अगर आपकी कंपनी, अब लेट सपोज आपने कंपनी बनाई और आपने पैसा कलेक्ट किया इन द नेम ऑफ कि यार हम लोग जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्या करेंगे। अब सर शेजू का दिमाग घूमा, शेजू कहता है कि नहीं यार एक काम करते हैं कि कोविड की लहर वापस आ रही है, सो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसकी हम किट्स बनाते हैं, हम जो है फेस मास्क बना लेते हैं और हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसने पैसा उठाया मार्केट से 20 करोड़ रुपए किसके नाम पे, किसके नाम पे, मोबाइल एसोसिएशन के नाम पे। अब सर क्या ये मीटिंग बुला के, क्या अब ये मीटिंग बुला के लोगों से इजाजत लेके क्या ये हैंड सैनिटाइजर का काम शुरू कर सकता है। हाँ सर काम ये शुरू अब भी नहीं कर सकता, सब लोगों ने हाँ कह दिया ना, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन जाके जो आपने आर्टिकल्स और एसोसिएशन जमा करवाया था किसके पास, एससीसीपी वा, उसको जाके तुम्हें अपग्रेड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एससीसीपी हैंड सैनिटाइजर, वो कहेगा भाईजान बैंड है, क्या है बैंड है, आप इसको बना नहीं सकते, इसके लिए आपको इससे याद लेनी पड़ेगी सर, तो सारी लंबी क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। तो सर कंपनी के अंदर आप मुंह उठा के अपनी चीजें चेंज नहीं कर सकते, बट इन अ सोल पार्टनरशिप यू कैन विदाउट इवन आस्किंग एनीवन। पार्टनरशिप में आपको मेजॉरिटी पार्टनर्स का क्या करना है, वोट लेना, का मेजॉरिटी पार्टनर्स एग्री कर गए देन यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन नॉट, डन हो गया। और हर पीरियड एंड पे कौन होता है, एक ऑडिट फर्म का चार्ट अकाउंटेंट होता है जो कंपनीज जाता है और जाके चेक करता है कि वेदर जो ये फिगर्स बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं या नहीं बता। सेट हो गया सर। प्रॉफिट में एक कंसर्न आया ओनर्स का, किसका आया, प्रॉफिट में एक कंसर्न आया किसका, ओनर्स का, और ओनर्स ने किस पे ट्रस्ट किया, समत पे, समत पे ट्रस्ट किया, किस पे किया, ऑडिट फर्म, किस पे ट्रस्ट किया, ऑडिट फर्म के, भाई फर्म ने अगर यहां पे आके ऑडिट किया है और कह रही है सही है तो मतलब सही है। सर कोई और है जिसको प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, आपके बिजनेस का एक प्रॉफिट है, सर कोई और है जिसको इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट क्यों, बेहतरीन सर। दूसरा जो कंसर्न पार्टी है, देखो तुम्हारा जो डायरी थी उसमें इंटरेस्टेड पार्टी तुम्हारे अब्बा थे, उसमें कौन इंटरेस्टेड थे, उसके बेनिफिशियरी कौन थे, जो तुम रिकॉर्ड समराइज एनालाइज कर रहे थे उसका बेनिफिशियरी कौन था, अब्बू जी। यहां पर एक आ गया ओनर का, बिजनेस में कौन आ गया बेनिफिशियरी, जिसके लिए मैं किसी तरीके से रिकॉर्ड एनालाइज एंड समराइज करूंगा, एक बेनिफिशियरी कौन आ गया उसका, ओनर, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर, क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर, जो आपके हिसाब किताब में क्या है, इंटरेस्टेड है। वन इज ओनर, ओनर का मतलब, ओनर का मतलब, ओनर का मतलब सो प्रोप्राइटर पार्टनर्स शेयर होल्डर। जब मैं ओनर का वर्ड कहूं तो तीन जगह पे आ गए, बिजनेस है ना, बिजनेस करने के तीन तरीके, अब अगर सो प्रोप्राइटरशिप कर रहा हूं तो उसमें ओनर कौन है, सो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है तो ओनर कौन है, पार्टनर्स, कंपनी है तो ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर। तो सबसे पहले इंटरेस्टेड पार्टी कौन हुई, स्टेक होल्डर कौन हुआ, ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ओनर्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा कौन आता है, दूसरा कौन आया, गवर्नमेंट। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि सर गवर्नमेंट को चाहिए टैक्सेस, आपको मुल्क चलाना है, गवर्नमेंट ने आपको पानी अच्छा देना है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, आपको एजुकेशन देनी है, आपको लॉ एंड ऑर्डर देना है, क्राइम रेट रिड्यूस करवाना है, बिजली अच्छी देनी है ऑल द टाइम, इसके लिए गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है, टैक्सेस लेती है। तो सर एक तो आपकी टैक्स कटता है सैलरी पे, वो अलग है, एक बिजनेस के ऊपर टैक्स होता है, कौन सा होता है, तो सर बिजनेस के ऊपर टैक्सेस लगाने के लिए अब सर हर बंदे की कोशिश होती है, हर बंदे की क्या होती है, कोशिश होती है, क्या अपने 100 रुपए कमाए ना, कितने कमाए, 100 रुपए कमाए, तो मैं क्या करूं, दिखाऊं 50, दिखाऊं कितने, ताकि मुझे टैक्स क्या करना पड़े,
तो कहते हैं ऑफ द बुक्स ट्रांजेक्शन. कौन सी? कोई है यहाँ पे जिसके आप कोई घर वाले कोई कपड़ा मार्केट में हो? नो वन. वहां पे एक मिसाल चलती है, कच्ची रसीद दे दो. क्या दे दो? सर बीच में हाईवे के ऊपर ट्रेंड चल गया था, जब एसआरबी ने हाईवे के जो रेस्टोरेंट्स के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया था उनको कि टैक्सेस लो, तो वहाँ पे पूछते थे वो सर पक्की रसीद चाहिए कच्ची रसीद चाहिए. मतलब पक्की रसीद चाहिए, आपको कंप्यूटराइज बिल चाहिए तो उसमें 13% का टैक्स लगा हुआ होगा, और कच्ची चाहिए तो 13% का टैक्स नहीं. नहीं, शाही शनिवार आज तक नहीं लेना, वो अभी शायद लेना शुरू कर देगा. तो सर ये क्या होता है? सर सर ये वो होता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक मनी. क्या कहते हैं? ब्लैक मनी का क्या मतलब होता है? काली काला धन जो काला होता है. सर ब्लैक मनी का मतलब वो होता है जिस मनी की तुम सोर्स छुपाना चाहते हो. क्या चाहते हो? अगर तुमने बता दी क्या ये सोर्स जो है बिजनेस से आई, क्या से आई है, तो आपका गवर्नमेंट कहेगा बिजनेस से आया है तो बाबा आप दिखा लो उसको, डालो बिजनेस की इनकम में डालो, उसको टैक्स दो. क्या दो? और आप टैक्स देना, तब टैक्स देना नहीं चाहते सजा सब क्या करते हो, इसे सब क्या करते हो, उस पैसे को छुपाते हो, ऑफ द बुक्स रखते हो. क्या रखते हो? अच्छा तुम्हें भी आदत होगी ना, अगर तुम्हें किसी ने खर्ची दे दी, अम्मा को नहीं रहा, ईदी आ गई, नीचे अंकल मिल गई, ईदी दे दी, आप क्या करते हो? वॉलेट में ही रखते. क्या करते हो? उस चीजों में छुपा लेते. अम्मा ने कहीं देख लिया, पूछेंगी कहाँ से आया, वो रख लेगी. ऐसा ही है, तो गवर्नमेंट का भी यही है, तो हम दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, आउटसाइड द बुक्स रखते हैं. तो सर तो आपने कितनी चीजें आउटसाइड द बुक्स रखी हैं और क्या नहीं है? सर ये भी एक ऑडिटर के पास, अगर उसको कोई चीज की इंडिकेशन मिल गई, उसको किसी इंडिकेशन मिल गई, तो ऑडिटर क्या करेगा, इस चीज को भी बता देगा कि गवर्नमेंट ये जो हिसाब किताब बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं. बहुत सारी इनकम आई है, बहुत सारी इनकम इन्होंने कैश पे काम किया है, हम वहां पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि बैंकिंग चैनल आप छुपा नहीं सकते. बैंकिंग चैनल को छुपा, मतलब कैश को तो छुपाना क्या है? अगर आप कैश पे खरीदो फरोख कर रहे हो, किसको क्या पता कितना कैश में बेचा और कितना कैश तुम्हारे पास आया और कितना तुम्हारा गया. तो सर यही सबसे बड़ा मसला है ना. बाहर मुल्क में इवन अगर आपको $2 की कॉफी पीनी है तो आपकी किसके थ्रू होती है? क्रेडिट कार्ड या, क्योंकि सर वहां पर कैश का तसव्वुर ना होने के क्या है बराबर. वहां पे अगर आपको कैश में कोई चीज खरीदनी, आप बैंक से पैसे निकालते भी हो कैश के निकालने के लिए, तो सर कहीं पे जाते हो क्या कहते हैं, हमें कैश नहीं चाहिए. क्यों? उनको पता है कैमराज लगे हुए, हर चीज लगी हुई, हमारे बिजनेस का लाइसेंस क्या होगा, कैंसिल होगा. बिजनेस का लाइसेंस क्या होगा? कैंसिल होगा. सर बिजनेस का लाइसेंस भी आपका कोई आजकल कितने का पड़ रहा है? 22,000-25,000 दिरहम का. ऐसा ही नहीं है पाकिस्तान में, 22,000-25,000 तो नहीं, 2,000 में नहीं, 3,000 रुपये, कितने 3,000 में सारी चीज़ें हो जाती हैं. कैसे? 2,000 रुपये का कवर दे दो, एक डबल बिरयानी मंगवा लो नली वाली, गोश्त वाली, बीफ वाली, और एक कोल्ड ड्रिंक, और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, साथ में लेते हुए चले जाओ, पीते हुए जाना. और वो बंदा क्या होता है? टैक्स वाला चला जाता है. यही है ना सर हमारी बिटर रियलिटी. क्या है कि हमारा जो इदारे है वो क्या है? करप्ट है, जिसकी वजह से इतना टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाता. ऑडिटर के साथ डीलिंग बताऊंगा तुम्हें, SSGC की कहानी बताऊंगा. सही है, ये तुम्हारे जमीर के ऊपर है. एक चीज हम लोगों को सिखाई जाती है, हम लोगों क्या मतलब लोगों का मानना है, देखो ऑडिटर भी कोई सीधा नहीं. आप लोग थोड़े जब बड़े हो जाओगे, थोड़े बड़े मतलब 2 हफ्ते बाद, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री कहूंगा, वो देखना. एक डॉक्यूमेंट्री क्या करना, देखना. दुनिया की 1990s में सबसे बड़ी कंपनी थी एनरॉन. नेटफ्लिक्स देखते हो? प्राइम टाइम, प्राइम वीडियो देखते हो ना? आज तो देख ही दोगे, मिर्जापुर आया हुआ है, देख रहे हो ना? तो सर ये जो नेटफ्लिक्स वगैरह की जो सोच है, ये पुरानी 1990s में एनरॉन की सोच थी. किसकी सोच थी? इट वॉज अ $60 billion कंपनी. कितनी बड़ी कंपनी थी? इन 1990s $60 billion कंपनी थी. और 1990 में तुम्हारा जो डॉलर भी था आपके पाकिस्तान में, वो 40 रुपए का था, और आज उसका आप क्या कर लो, 7 times बढ़ा लो. दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी थी. सर उसका जो ऑडिटर था, उसका जो ऑडिटर था उस कंपनी का, वो था आर्थर एंडरसन. कौन सी फर्म थी?
दुनिया में पहले बिग फोर का कॉन्सेप्ट नहीं था, बिग फाइव का कॉन्सेप्ट था। कितना था? 1990s तक दुनिया की पांच बड़ी ऑडिट फर्म्स थी, एक उसमें से कौन सी थी? आर्थर एंडरसन। सर कितनी ऑडिट फी चार्ज करती होगी एनरॉन से, एक रफ एस्टिमेट, यानी रफ आइडिया के साथ? नहीं, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस है यार उसका, कोई बिजनेस की मैं सेल नहीं पूछ रहा। कितनी मिलियन? मिलियन का मतलब पता होता ना कितने होते हैं, 50 में तेरा तुक्का सही लगा है, वरना इतनी तो किसी की भी नहीं होती। सर वो हर वीक के $1 million चार्ज करते थे, मतलब $52 million की ऑडिट फीस। सर उसका जब स्कैंडल खुला ना, वो एक स्कैंडल था। क्या था वो एक इस तरह की इनकम को रिकॉर्ड कर रहे थे जो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब उसका स्कैंडल खुला ना, सर वो $90 का एक शेयर था। कितने का शेयर था? 1990s के था, $90 का एक शेयर था। जिस दिन स्कैंडल खुला, स्कैंडल पता कैसे खुला? उनका CFO चेंज हुआ। कौन चेंज हुआ? तो CFO चेंज हुआ ना, उसने ये समझा हुआ था, उसको ये चीज़ पता थी कि यार अगर मैंने हराम खाया हुआ है ना तो आगे मुझे हराम अट्रैक्ट करेगा, और अगर मैंने जिंदगी भर हलाल खाया हुआ है तो हराम मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जब उनका CFO चेंज हुआ 1990s में, तो उसने जाके एक चीज़ देखी, उसने SEC, वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका के अंदर, SEC है। तो SEC को उसने जाके कंप्लेन बता दिया, उसने कहा ये नहीं और ये चल रहा। जब स्कैंडल खुला तो एक ही रात में $90 का शेयर 50 सेंट्स पे आ गया। किस पे आ गया? 50 सेंट्स पे। और बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आया था 1990s की वजह से, बहुत बड़ा। ये दुनिया का वन ऑफ द टॉप के ऊपर क्या है आपका स्कैंडल है। फिर आपका हर्षद मेहता वाला कैंसल है, तो सुना होगा आपने। इंडिया का एक सत्यान कंप्यूटर। अच्छा सर उसके बाद क्या हुआ? जब ये वाला स्कैंडल खुला तो आर्थर एंडरसन को परमानेंटली क्या कर दिया गया? बैंड कर दिया गया। फर्म ही क्या हो गई? खत्म हो गई। आपको पता है इंडिया में PwC का नाम सुना है? फर्ग्यूसन्स PwC। इंडिया में वो ऑडिट नहीं कर सकती लिस्टेड कंपनी का। क्यों? सत्यान कंप्यूटर्स का स्कैंडल, उनका ही निकला था। सऊदीया में डेलॉयट ऑडिट लिस्टेड कंपनीज का, अब तो ऐसा बैंड हट गया, 2019 में भी गया था, 2 साल का बैंड लगा था उनपे। तो सर क्या होता है जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, अब तुमने कहा ना ऑडिटर मिल जाए, क्या मिल जाए? ऑडिट फर्म का भी ऑडिट होता, ऑडिट फर्म का भी ऑडिट होता है। दो लोग ऑडिट करते, ऑडिट फर्म का कौन ऑडिट करते हैं? दो लोग, एक करता है ICAP, एक क्या करता है? और दूसरा करती है आपकी इंटरनेशनल फर्म। अब जैसे डेलॉयट की मिसाल लूँ तो 160 कंट्रीज के अंदर चल रही है, 160 कंट्रीज में चल रही है डेलॉयट। अब सर डेलॉयट मलेशिया का ऑडिट करना है, तो डेलॉयट खुद भी क्या करेगा? उसको ऑडिट करवाएगा। क्या डेलॉयट मलेशिया के अंदर जो बैठ के लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं? या वो क्या करेगा? एक बंदा उठाएगा स्कॉटलैंड से, एक बंदा उठाएगा नीदरलैंड से, एक बंदा उठाएगा पाकिस्तान से, तीनों जाओ जरा जाकर ऑडिट कर आओ। किनका? उन पार्टनर्स का जिन्होंने क्लाइंट का ऑडिट किया, वो बताओ कि वो सही ऑडिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड सर ट्रस्ट मी, अगर आपके ऊपर कोई एक्शन आ गया इस फील्ड के अंदर, आपके ऊपर क्या आ गया? कोई एक्शन आ गया, तो पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। किसमें? दुनिया भर में अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई जॉब भी कर नहीं सकते, बिकॉज तुम जो काम कर रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें किसका स्टेक इन्वॉल्व है? पब्लिक का। किसका स्टेक इन्वॉल्व है? पब्लिक का। तो सर यू आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दीज। अगर करो तो ऐसे करने के पकड़े, और सब पकड़े जाते हैं। पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं, ईजी है सर, किसको भी पकड़ना, ठीक है? तो सर हम कहां की बात को कहां तुम ले गए थे, हम कहां थे? तो तुमने कहा ऑडिटर मिल जाए, आर्थर एंडरसन। तो सर ये वाली कहानी थी। तो सर आपके पास, तो सर ये जो आपके दो लोग हो गए, गवर्नमेंट जो है सर ऑफ द बुक्स होती हैं चीजें, तो सर चार्ट अकाउंटेंट क्या करता है? उसको जाके नोटिफाई करता है। तो सर आपके पास दो स्टेक होल्डर्स आ गए, एक स्टेक होल्डर हो गया कौन? ओनर। दूसरा कौन हो गया? गवर्नमेंट। अब सर हम एक सेटअप करेंगे बिजनेस, हमें क्या करेंगे? सेटअप करेंगे बिजनेस, और सब देखते हैं कि सर बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसका रिकॉर्ड करने का तरीका हम दो हफ्ते बाद देखेंगे। चलो देखो, दो तरीके होते पढ़ाने मार्केट में, दो अप्रोचेस चल रही है। एक अप्रोच ये है, जैसे मैं तुम्हें रास्ते में चलाता हूँ और एंड होता भाई ये मंजिल नहीं, ये क्या थी? और सर रास्ता एक नहीं है, रास्ते तीन है। रास्ते कितने?
तीन रास्ते, और एक ये वे है कि सर मैं तुम्हें पूरी मंजिल दिखा दूं। क्या दिखा दूं? कि भाई ये मंजिल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और फिर उसके बाद रास्ता तय करो। क्या ज्यादा सही अप्रोच होगी? क्या करें? पहले मैं जो प्रेफर करता हूं वो यही करता हूं, पहले मंजिल पता हो। मंजिल पता होगा ना तो रास्ता मायने रखता है, वरना रास्ते पे चलते जा रहे हो पता ही नहीं कि मंजिल कौन सी है, पहुंचना कहां, ये रास्ता लीड कहां कर रहा है। तो सर हम पहले क्या करेंगे? मंजिल की बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग के रास्ते देखते रहेंगे। तो सर अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, बुक रीडिंग मैं खुद करवाऊंगा, किसी ने भी होशियार बन के, साइंस वाले बच्चों ने खास तो, कौन आपने बुक रीडिंग नहीं करनी। चैप्टर 1, 2 और 3 एक साथ कवर होंगे, चैप्टर 1, 2, 3 अलग अलग कवर नहीं होते। तो चैप्टर 1, 2, 3 अकाउंटिंग है, चैप्टर 1, 2, 3 क्या है? 4 के बाद से रिपोर्टिंग है। चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या है? रिपोर्टिंग की दुनिया है। चैप्टर 1, 2, 3 क्या है? अकाउंटिंग। जो वो कहता था ना आजाद चाय वाला इंटरव्यू सुना था, 30 दिन में चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड का वर्ड गलती से लगा दिया था, उसको खाली अकाउंटेंट बोलना चाहिए था। 30 दिन में अकाउंटेंट मैं भी तुम्हें बता दूंगा, सही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, मगर चार्टर्ड ये ले तो 4 साल लगेंगे, सही है। आए सर, तो सर आपके पास एक बिजनेस शुरू करते हैं, किसका कोई वॉलंटियर बनेगा? क्या नाम है? हमजा। किस चीज का बिजनेस करेगा? रियल स्टेट। कोई ट्रेडिंग बता? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊंगा मैं। हमजा मोबाइल शॉप, ठीक है सर। हमजा भाई के हम क्या कर रहे हैं? एक मोबाइल शॉप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमजा, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मनी। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? मुनाफा, पैसा कमाना। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एक ही है? हर बिजनेस का नहीं। आपके पास दो किस्म के और बिजनेस होती है, एक होता है एनपीओ बिजनेस। क्या होता है सर? एनपीओ बिजनेस होता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो एनपीओ होते हैं तो सर इसके अंदर कौन आता है? एनजीओ आ जाते हैं। कौन सा जाते हैं? एनजीओ जो होते हैं उनका काम क्या होता है? डोनेशन लेते हैं वो, और वो सामान जो डोनेशन होता है, आप जो डोनेशन कैरी करते हो उस डोनेशन से क्या करते हो? सामान खरीदते हो लोगों को ऐसे फ्री में, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती। और सर एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब? वो बेचती तो है मगर उनका मकसद प्रॉफिट कमाना, मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। उसकी कोई मिसाल दे दो, जैसे एनजीओ की मिसाल दे दी मैंने, एनपीओ की, नॉट फॉर प्रॉफिट की कोई मिसाल देगा जिसको ऑब्जेक्टिव पैसा कमा, प्रॉफिट कमाना नहीं? एडी, एनजीओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जब वहां पैसे फ्री होती है। जेडीसी भी एनजीओ है। अगर करते हैं तो, मगर यार मैं ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिट कमाती भी है मगर वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। आगा खान हॉस्पिटल नॉट फॉर प्रॉफिट है वो। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट तो कमाते हैं बट उस प्रॉफिट का कोई बेनिफिशियरी, उस प्रॉफिट का कोई बेनिफिशियरी नहीं। मतलब कोई आके ये नहीं कह सकता ये प्रॉफिट हमारा है, ना कोई शेयर होल्डर्स पे क्लेम कर सकता है, ना कोई सोल प्रोपराइटर कर सकता है, ना कोई पार्टनरशिप कर सकता है। सर उनका जो प्रॉफिट्स होता है उन्हीं प्रॉफिट से क्या होती है? एक्सपेंशन होती है और फैसिलिटीज बढ़ा रहे होते हैं। और क्लब्स भी किस में आते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्लब्स हो गए, ये आपका आगा खान और लियाकत हो गया, ये आपसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैसे ले रहे हैं, उनका प्रॉफिट इतना है कि आपका दिमाग घूम जाए बट फिर भी प्रॉफिट्स का कोई दावेदार नहीं है। सेट हो गया। तो सर अब हमजा मोबाइल शॉप जो है ये तो एक प्योर बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहा है? प्योर बिजनेस कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। तो बता बेटा पैसा कैसे कमाएगा? चीजें मंगवानी पड़ेंगी। क्या चीजें मंगवानी पड़ेंगी? मोबाइल मंगवाने पड़ेंगे और जेब में रख के मार्केट में घूमेगा, भाई मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। हाँ शॉप खरीदनी चाहिए। और तेरी शक्ल इतनी प्यारी है नहीं है क्योंकि तुझे शॉप ऐसे ही दे देगा। सबसे पहले क्या चाहिए? कोई भी बिजनेस करने के लिए, इवन बिजनेस रजिस्टर करने के लिए
सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पैसा, सही है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कैश। कैश के बाद तुम्हें क्या चाहिए? जगह चाहिए। सर कैश के बाद क्या चाहिए? सर का कैश आ गया, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? क्या आपको सर एक जगह चाहिए और उस जगह को मैं शॉप कह दूं? आपको कैश चाहिए, आपको शॉप चाहिए। और हो गई रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई दुकानदारी कर रहा है तो कोई बिजनेस नहीं बना रहा, सोल प्रोप्राइटर है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एसेसरीज की नीड है और लाके जमीन पे पथार देगा। भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दे, बिजनेसमैन की तरह सोचना है। किस तरह सोचना है? बिजनेसमैन की तरह कि सर सबसे पहले कैश चाहिए होगा, कैश हुआ दुकान चाहिए, दुकान का थोड़ा शटर उठाया, आप क्या चाहिए तो मोबाइल लाके बेचना शुरू कर देगा। फर्नीचर चाहिए, हाँ फर्नीचर, फर्नीचर में आ गया ना सारी चीज, किसमें आ गई? तो हमजा फर्नीचर मतलब मगरिब के बाद मजदूर चले जाएंगे क्योंकि मगरिब तभी काम कर सकते हैं और ड्रिल मशीन तो बराबर वाले से सॉकेट लेगा कि ड्रिल मशीन चलाने दो हमें, तो सॉकेट के अंदर स्विच लगाने दो। क्या चाहिए तुम्हें? लाइट्स। सर उसको क्या चाहिए? लाइट्स। अगर लाइट्स लेकर आएगा और लाइट को देखेगा, लाइट जलना शुरू हो जाएगी ना, जल जा बुझ जा, जल जा बुझ जा। इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, मतलब सर जब आपने दुकान ली, जब आपने दुकान ली तो सर आपको अब क्या करना है? बिजली का जाल बिछाना है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करना है? सप्लाई की चेन बनानी है। तो सर इसको हम अकाउंटिंग की दुनिया में, इसको हम अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स। जो आपकी दीवार में क्या है सर, जैसे सर वो वापस स्विच लगे हुए ना, हम किसी स्विच को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो कोई जादू थोड़ी है, ये क्या है? पीछे पूरा एक फिक्स्चर्स हुआ हुआ है, कुछ फिटिंग्स हुई हुई है जिसके वो क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। डन हो गया। अब फिक्स्चर फिटिंग्स के बाद क्या चाहिए मुझे? अब फर्नीचर चाहिए। अंधेरे में कैसे ठोकेगा खील? हाँ अब लाइटें चाहिए बेटा, अभी तो फिक्स्चर फिटिंग्स की थी, फिक्स्चर फिटिंग्स के तार जैसे वो कोई तार निकला हुआ कहीं यहाँ पे, जो वो पीछे एसी बना हुआ है ना, वो होल बना हुआ है वहां पे, लाइट लग जाए, लग जाएगी तो लाइट लाके लगानी पड़ेगी ना, खुद थोड़ी रोशनी होना शुरू हो जाएगी वहां से। तो आपको क्या चाहिए? सर आपको ये सारे लाइट एंड फैंस वगैरह चाहिए। तो सर इनको हम अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं इक्विपमेंट्स। क्या कहते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट्स कह दो या इक्विपमेंट्स कह दो। फिक्स्चर फिटिंग्स क्या होती है? जो आपकी कंसील्ड हुई हुई है, जो आपकी क्या हुई हुई है? कंसील्ड वायर्स हो गए, कंसील्ड पाइप्स हो गए, जो आपके वॉशरूम में है ना, जो आपका पानी जब आता है टैप से, वो क्या है? पीछे फिक्स्चर फिटिंग्स हुई हुई है पाइप्स की, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हो गई। इसके बाद इक्विपमेंट्स के बाद क्या चाहिए? अब फर्नीचर चाहिए सर। अब फर्नीचर क्या होगा? सुकून से आके इंस्टॉल हो जाएगा फर्नीचर। अब और अब क्या चाहिए सर? अब हमें चाहिए मोबाइल, जिस चीज का मुझे बिजनेस करना है। अब सर इसके लिए मोबाइल फोन, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, वो अकाउंटिंग की दुनिया में कहलाता है गुड्स, स्टॉक, इन्वेंटरी, मर्चेंडाइज। थोड़ा क्या नाम है भाई? हम नाम है, रुक जा पीछे वाला, गयूर भाई। आपको प्यार से कुछ बुलाता है घर में? गयूर ही बोलते हैं, गयूर बोलते हैं। कोई थोड़ा बड़ा हो जाएगा कोई सोना बोलेगा, कोई बाबू बोलेगा, कोई प्रिंस चार्मिंग बोलेगा, कोई मेरा कुच्ची मुच्ची मुंह बोलेगा, तू रहेगा कौन? गयूर ही रहूंगा। तो सर ए लेवल वाले इसको मर्चेंडाइज कहते हैं, ओ लेवल वाले कुछ और कहते हैं, मगर सर ये चारों को कुछ भी कहो इसका मतलब क्या है? एक ही इसका मतलब है, ये वो चीज है जो तुमने बेचनी है, जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो। अब सर जरा
हमें सोचना है। हैबिट देखा हुआ है किसी ने? हैबिट का नाम सुना हुआ है? यहाँ से शायद से जाओगे आपको वहां पे बलोच पुल के नीचे हैबिट फर्नीचर दिख जाएगा। सो जो हैबिट फर्नीचर है वहां पर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो क्या है? फर्नीचर हो गया उसे? नहीं सर, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मर्चेंडाइज, गुड्स स्टॉक या इन्वेंटरी। सर मैं इसको सिर्फ गुड्स कहूंगा। क्या कहूंगा? मगर सर हैबिट पे वो गुड्स है, मगर सर कुछ और फर्नीचर भी है जो इस्तेमाल के लिए। जो किसके लिए? इस्तेमाल के लिए। कौन सा वाला सर? जहां पर आप जाके बैठोगे वो टेबल होगा, बंदा आपसे डीलिंग कर रहा होगा, आप उससे बात कर रहे होगे, उसे वो भी तो किसी फर्नीचर पे बैठा हुआ है। तो वो जो इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है उसको मैं कहूंगा वो हैबिट का फर्नीचर है, और जो बेचने के लिए रखा हुआ है उसको मैं क्या कहूंगा? गुड्स है। सर मैं डॉलेंस कंपनी गया। कहां गया? मैं डॉलेंस कंपनी गया, मुझे डॉलेंस का स्प्लिट चाहिए था। मैं डॉलेंस का क्या चाहिए था? स्प्लिट चाहिए था। मैं वहां पर गया तो सर बड़ा ठंडी ठंडी जगह हो रही थी, बड़ी अच्छा खासा अंदर एनवायरमेंट था, एसी चल रहे थे। तो मैंने यूं ऊपर उठा के देखा तो मुझे क्या दिखेगा? एसी, एसी दिखेगा। तो एसी कौन सा होगा? हायर का होगा, ग्री का होगा, कैनवुड का होगा, किसका होगा? सर एक एसी यहां पड़ा हुआ है कार्टन के अंदर और एक एसी यहां रखा हुआ है। मैं वहां गया, मैंने कहा प्यास लग रही है, बोला सर आगे किचन के अंदर चले जाए आप, वहां से ड्रिंक निकालना। मैं गया, डॉलर्स का डबल डोर वाला फ्रिज था, मैंने फ्रीजर खोला, उसमें ड्रिंक निकाली। एक वो फ्रिज भी है और एक आया कि मैंने देखा कार्टन के अंदर पैक हुआ हुआ है। तो सर जो कार्टन के अंदर पैक हुए हुए हैं जिनकी नीयत है बेचने की वो क्या कहलाएंगे? गुड्स। वो क्या कहलाएंगे? गुड्स। और सर जो लगा हुआ है, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? ऑफिस, ऑफिस इक्विपमेंट। बात समझ आ गई? सर समझ आया? तो सर अगर एक कंपनी के अंदर से मिसाल के तौर पे आप गए टपाल, अब सर टपाल की कंपनी में टपाल अपने लोगों को चाय पिलाता है? नहीं पिलाता। क्यों भाई? ऑफिस के अंदर चाय नहीं मिलेगी। क्या नाम है तुम्हारा? शहबाज भाई। ऑफिस के अंदर चाय नहीं मिलती, दो टाइम की मिलती है। एम्प्लॉयज को दो टाइम की मिलती है, बाकियों को ऊपर पोजिशन वालों को कॉफी वगैरह मंगवाने का मसला नहीं होता। सर दो टाइम की अगर चाय मिलती है तो टपाल वाले को अपने लोगों को चाय पिलानी होगी तो वो लिप्टन के तो नहीं मंगाएगा टी बैग, कौन से देगा? तो सर जो टपाल के डब्बे पड़े हुए बेचने के लिए वो क्या होंगे? और जो ये टपाल के डब्बे उन्होंने किचन में रखे हुए हैं, जो उन्होंने किस में रखे हुए? किचन में रखे हुए, उसको हम कहते हैं ऑफिस सप्लाई। कौन था ये? कॉमर्स सर। अब ऑफिस सप्लाईज, अब सर ये ऑफिस सप्लाईज क्या है? सर जैसे मिसाल के तौर पर ARDT है। अब सर मुझे लेट सपोज तुम लोगों को नोट्स बांटने, क्या करने? अब नोट्स बांटने हैं तो सर मैं क्या करूंगा? अगर लेट सपोज मैं कहूँगा यार 50 कॉपीज बनानी, तो मैं कहूँगा यार जाओ 50 पेपर लेकर आ जाओ और 50 पेपर जितनी इंक भी लेकर आ जाओ, ताकि हम क्या करें? प्रिंटिंग निकाल सकें। ऐसा होगा कि जब जरूरत पड़ेगी तब होगा? या तुम लोगों को कैश मेमो बना के देना, तुमसे फीस रिसीव कर रहे हैं और बना के देना, तो वो कहेंगे जाओ यार एक मेमो लेकर आ जाओ? नहीं सर। अब जैसे सपोज तुम लोग वॉशरूम गए, अब तुम्हें हैंड सोप चाहिए, तुमने मार्केट में बंदा वहाँ पे स्टैंड बाय खड़ा किया हुआ है, अब ये बंदा जा रहा है बाहर आएगा इसके लिए जाके 30 ग्राम लिक्विड सोप लेकर आ गया, और वो जाएगा भाग भाग के लिक्विड सोप लेके आएगा। चाचा को चाय पीनी है, मतलब पराचा को चाय पीनी है, वो टी बैग वाली चाय पीता है, अब वो ऊपर से उसको टी बैग के लिए क्या करेंगे? भागेंगे मार्केट जाके टी बैग लेकर आएंगे। कैसा होता है? और चीनी ही बोलेंगे आधी छड़ांग चीनी दे दो, तक उसकी चाय बना के देना। ऐसा होता है? तो सर बिजनेस के अंदर, इसको अपने बिजनेस के अंदर सर इस तरह की चीजों की भी क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। तो सर एक एक करके नहीं मंगवाता, ये क्या करता है? एक साथ मंगवाता। मगर सर क्या चीजें बेचने के लिए होंगी? ये किसके लिए? इस्तेमाल के लिए। सर इसको अपनी दुकान पे झाड़ू लगवानी होगी, झाड़ू रखी हुई होगी, क्लीनिंग करवाने के लिए क्या होगा? स्प्रे वगैरह होगा, डिटॉल वगैरह होगा। सर ये सारी की सारी चीजें किसमें क्लासिफाई होती है? ऑफिस सप्लाईज में। किसमें होती है? ऑफिस सप्लाईज। क्लियर है सर? सर थोड़ी देर और ऊपर ले लो, बस ना नहीं, बस ये खत्म होने वाला है। अब सर मेन काम हमजा का था क्या? सर मेन ऑब्जेक्टिव था मोबाइल खरीदना, मोबाइल बेचना। मगर सर क्या इन सब चीजों के बगैर, क्या इन सब चीजों के बगैर क्या इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है? हाँ। क्या इन सब चीजों को बगैर अपना इकोनॉमिक बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट? इकोनॉमिक बेनिफिट जो है पैसा कमाना, क्या सब पूरा हो सकता है? तो सर ये चीजें डायरेक्टली तो नहीं, सर एक चीज सिर्फ डायरेक्ट है, एक चीज सिर्फ क्या है? डायरेक्ट है। बाकी चीजें क्या है? इनडायरेक्टली इसको मदद कर रही हैं पैसा कमाने में, इसका ऑब्जेक्टिव मीट करने में। हाँ सर। तो सर ये जो सारी चीजें
जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना. इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना, उसको हम अकाउंटिंग की दुनिया में, उसको हम अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं कि सारे के सारे क्या हैं? द रिसोर्सेज, द असासे. क्या चीज? वो असासे जो एक बिजनेस को, जो एक बिजनेस को हेल्प करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में. जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसा कमाना. उनको हम क्या कहते हैं? बिजनेस के क्या है? सारे असासे हैं. सारे बिजनेस के क्या हैं? असासे, एसेट्स हैं. क्या है? अ रिसोर्स विच हेल्प इन अर्निंग द इकोनॉमिक बेनिफिट. क्लियर है सर? तो आज से मैंने तो एसेट्स का नाम सुना था. घबराते थे, अब घबराओगे? अभी सर ऐसे समझा, खाली सिर्फ नाम छेड़ा है. क्या करा है? अभी छेड़ा है, तो कल क्लास होगी या परसों होगी तो उसको हम क्या करेंगे? अब डेप्थ में जाएंगे. तो सर एटलीस्ट अभी तक का जो ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें ये पता चल गया कि अकाउंटिंग किसी के लिए होती है. वो किसी के लिए कौन है? अभी तक दो लोग हैं. क्या है? दो लोग हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं? चीजों की बेस बना रहे हैं. पहले हमें ऐसे बनाया, फिर हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग के तरीके पे आ जाएंगे. क्लियर है सर? पता नहीं कल क्लास हो या ना हो. इन केस आप में से किसी की कोई भी क्वेरी हो, क्या हो, फील फ्री टू टेक्स्ट मी. मैं 12 घंटे के अंदर, वैसे तो मैं इंस्टेंटली कर देता हूं अगर कोई क्लाइंट से बिजी ना हो तो, वरना मैं इंशाल्लाह क्या करता हूं, फौरन फौरन जवाब, वरना मेरे 12 आवर्स के स्पैन में मेरा रिप्लाई जरूर आ जाता है. अच्छा सर, कोई एक वॉलंटियर मुझे चाहिए, एक लड़का बन जाए वॉलंटियर. सही है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो. सही है, एक व्हाट्सएप ग्रुप.